जय जयंती जय आदि शक्ति जय काली कपर्दिनी, जय मधुकैटभ छलनी देवी जय महिषहि मर्दिनी, जय चमुंड जय चंडमुंड भंडासुर खंडिनी, जय सुरक्त जय रक्त बीज बिड्डाल बिहंडिनी, जय जय निशुंभ शुंभ दलनी भनि भूषण जय जय भननी, सर्जा समर्थ शिवराज कहे देहि विजय दे जगजननी, देहि विजय दे जगजननी। आई आदि शक्ति तुळजा भवानी, घटना तत्कालीन मद्रास प्रांत की है, आज जिसे हम चेन्नई कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी और कुछ कार्यकर्तागण उनके सामने बैठे थे और कुछ विषयों पर चर्चाएं हो रही थी, और उसी समय वहां उपस्थित एक कार्यकर्ता जो मूलतः मराठी थे, उन्होंने शिवाजी महाराज पर कुछ आक्षेपार्ह वचन कहे जो उन्होंने कहने नहीं चाहिए थे। स्वामी जी एकदम गंभीर हुए और स्वामी जी उनसे अनुरोध करते, उनसे कहते हैं कि आपने जो भी कथन किया वो पाश्चात्य आक्रमणकारियों ने जो बाहर से आए हैं उन्हें जो हमारे इतिहास में छेड़खानी करने की कोशिश करी उसके चलते जो आपकी मति दूषित हुई है उसके प्रभाव से आपने ये वाक्य कहे हैं। शिवाजी महाराज क्या है ये मैं आपको बताता हूं। स्वामी विवेकानंद जी थोड़ा सा ठीक से बैठे हैं और फिर वो कहते हैं कि भारतीय इतिहास में संपूर्ण पुरुष के जो लक्षण कहे हैं, जिसके उदाहरण रामायण में प्रभु रामचंद्र जी के तौर पर और महाभारत या भागवत में भगवान श्री कृष्ण, ये जो दो व्यक्तित्व दिखाए गए हैं कि पुरुष कैसे होना चाहिए, उन दोनों गुणों का समुच्चय अगर किसी एक पर्सनैलिटी पे होता है तो वो छत्रपति शिवाजी महाराज की पर्सनैलिटी। और उसके बाद एक छोटा सा भाषण आप कहें, विवेकानंद जी वहां उन लोगों को उनके सामने वहां वो बताते हैं कि शिवाजी महाराज क्या थे, शिवाजी महाराज क्या है। वो चरित्र, वो दोनों चरित्र समझने के लिए आज मैं आप सबके समक्ष यहां खड़ा हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सबसे पहले रामकृष्ण मठ का कि आज के इस युवा सम्मेलन में आज मुझे ज्ञात है कि लगभग एक महीना पूर्व मुझे फोन आया और स्वयं स्वामी ब्रह्मस्थानंद जी उन्होंने बात की। मैं मेरा यह सौभाग्य समझता हूं कि स्वामी जी के अनुरोध पर आज मुझे यहां उपस्थित होने का यह सौभाग्य मिला है। मैं पहले तो मठ का आभारी हूं कि इतने उम्दा कार्यक्रम में तरुणों की इतनी संख्या। मैं कल भिलई में था, भिलई में एक व्याख्यान था और आयोजक कह रहे थे कि हम ऐसे व्याख्यानों के कार्यक्रम आयोजित करते हैं और दुर्भाग्यवश जिनके 90% सफेद हो चुके हैं ऐसे बैठते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे 90% काले हैं, 10% सफेद हुए हैं। उसकी पूरी विपरीत परिस्थिति मैं यहां देख पा रहा हूं। मैं अभिमान से आज वापस जाने के बाद भिलई फोन करके बताऊंगा कि व्याख्यानों में इस तरह का वर्ग भी आता है जो सही मायने में, अगर चीजें सही दी जाए, अगर दृष्टि सही हो तो ये वर्ग भी आता है। ये मैं छाती ठोक कर कल उनको बता सकता हूं। आज इस कार्यक्रम में, इस दूसरे सत्र में यहां मंच पर आसीन सम्माननीय सत्यमयानंद महाराज, मठ के सभी सम्माननीय स्वामी जी, यहां उपस्थित सभी कार्यकर्तागण, स्वयंसेवक और इस शिविर में सम्मिलित अपने भविष्य की आकांक्षाएं अपनी आंखों में संजोए मेरे तमाम तरुण युवा, दो चरित्र और उनके लिए जो शब्द का प्रयोजन अभी सौरभ महाराज ने आपके सामने किया, योद्धा सन्यासी और श्रीमान योगी, ये दो शब्द ही अगर इन पर हम चर्चा करने की कोशिश करें तो हो सकता है कि 8-8, 10-10 दिनों की व्याख्यान मालाएं भी इन पर कम हो जाए, इतनी ताकत इन दो शब्दों में है। मैं आपके सामने खड़ा हूं इन दोनों चरित्र के जो समान बिंदु है वो आपके सामने रखने के, क्योंकि हम जब अपना जीवन जीते हैं तो कई बार जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो चीजें आवश्यक होती है
उनको या तो हम देख नहीं पाते या समझ नहीं पाते, या देखने और समझने के बाद उनको हमारे जीवन में उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ये कई बार देखा जाता है। और इसलिए वो कौन से तत्व होते हैं, वो कौन से गुण होते हैं, वो कौन से हुनर होते हैं जिनकी तरफ देखते हुए उनको हमारी पर्सनैलिटी में धीरे धीरे अंदर लेते हुए हम अपने जीवन में हमने आगे बढ़ना चाहिए, आज के कथन का ये विषय होने वाला है। हो सकता है कि शुरुआती विषय जो रहेगा वो मैं, मेरा, मेरी जिंदगी, मेरा व्यक्तिगत जीवन और उसमें जो एक्सीलेंस, जो सर्वोत्तमता मुझे हासिल करनी है, मैं शायद उस पर बात करूं। यह विरोधाभास हो सकता है कि रामकृष्ण मठ के मंच से मैं व्यक्तिगत उन्नति और एक्सीलेंस और सर्वोत्तमता की बात कर रहा हूं, लेकिन मेरे कथन का जो अंतिम पक्ष होगा वो यही होगा कि इन सब चीजें करते हुए इसको देश और समाज के लिए इसकी क्या आवश्यकता। मेरी जो जीवनी है, मेरा जो जीवन है, ये आगे बढ़ाते हुए, अपने व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ते हुए मैं समाज के किस काम आ सकता हूं। अंत में हमें चर्चा यही करनी है दोस्तों, क्योंकि ये सारे कथन जो हम सुनने जा रहे हैं, फर्ज करो अगर ये सारी जीवनी न जीते हुए अगर अमेरिका चले जाते, शिवाजी महाराज अगर अमेरिका जाकर सेटल हो जाते, विवेकानंद अगर ये अध्यात्म का रास्ता छोड़कर ऑस्ट्रेलिया सेटल हो जाते, भगत सिंह अगर 23 साल की उम्र में कहते कि बम बम मैं नहीं फेंकने वाला, मुझे अपना करियर संभालना है, और खुदीराम बोस अगर कहते कि मैं अभी बहुत छोटा हूं, मुझे पहले 11वीं 12वीं तो पास करने दो, तो हम और आप आज क्या करते। और इसलिए केवल एक एंगल से जो जो व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ेगा वो विकास कभी विकास नहीं हो सकता। अगर केवल मैं, मेरा घर, मेरे चार दरवाजे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इसमें अगर हम अटके रहे तो वो दिन दूर नहीं कि भारत पर फिर कोई परकीय सत्ता आक्रमण कर दे। इसलिए मेरा जो मेरे देश के प्रति कर्तव्य है वो जहन में रखते हुए हम सबको जीवन में आगे बढ़ना है। अब मैं ये पूछकर तौहीन नहीं करना चाहता कि कितने लोग यहां जो बैठे हैं वो अपने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बार हाथ ऊपर करो। मुझे पता है 100% हाथ ऊपर करने वाले, सबको अपनी जीवनी में आगे बढ़ना है। कोई है जो पीछे जाना चाहता है? हम सब संस्कृति के पूजक है, जहां है वहां खड़े रहना प्रकृति है, पेड़ प्रकृति है, जहां है वहां खड़ा रहेगा, जहां है वहां से पीछे हटना ये विकृति है, ये विकृति है जो विलन करता है, जो भल्लाल देव करता है। जहां है वहां से पीछे हटना, यानी दूसरे का अच्छा होता हुआ हजम ना होना और उसका मैं कितना बुरा कर पाऊं, ये विकृति है। आई होप इसके लिए तो कोई हाथ ऊपर नहीं करेगा। कुछ लोग होते हैं जो प्रकृति की अवस्था में होते, जहां है वहीं, लेकिन हम संस्कृति के पूजक है, जहां है वहां से चार कदम आगे बढ़ने वाले लोगों में भारत की संस्कृति है, उसका परिचायक है। तो बढ़ना तो हम सबको आगे बढ़ना ही है। आगे बढ़ते हुए हमने किन चीजों को जहन में रखना चाहिए, इसकी चर्चा करते हुए आज इन दो व्यक्तित्व को मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं कई बार कहता हूं कि थोड़ा सा कैनवास पहले हम समझ लें। जब पार्श्वभूमि समझ में आती है तब पता चलता है कि इन लोगों को कितनी ताकत लगानी पड़ी होगी इनके जीवन में, जो काम इन्होंने खड़ा किया उसको खड़ा करते समय। कि दुर्भाग्यवश आज हम देखते हैं, मैं कई साल बेंगलोर में था, विप्रो टेक्नोलॉजीज में एचआर करके काम करने का सौभाग्य मिला, एक लगभग 1 से 1.25 हजार इंटरव्यू उस समय विप्रो में लेने का सौभाग्य मिला। मैं कई बार देखता हूं कि गले में गोल्ड मेडल है, परसेंटेज 90 के ऊपर है, लेकिन जब बात करते हैं तब आत्मविश्वास की कमी है। मैं कुछ कर सकता हूं, करके दिखा सकता हूं, इस विश्वास की कमी है। इसीलिए केवल परसेंटेज मैटर नहीं करता। हम जो बार बार आपके सामने, आपके प्रोफेसर भी कहते हैं, केवल परसेंटेज कभी मैटर नहीं करता दोस्तों। वो सारी चीजें जो उसके परे है वो भी हमारी पर्सनैलिटी में होनी चाहिए, और उन्हीं की चर्चा आज हम यहां करने वाले कि वो चीजें कौन सी होती। इन सब में सबसे पहली चीज होती है कि विपरीत परिस्थिति में काम करने का हुनर, काम करने की ताकत मुझ में है या नहीं है। क्योंकि आप शिवाजी महाराज की जीवनी अगर देखें, आप विवेकानंद की जीवनी अगर देखें, तो बहुत सारी फेवरेबल कंडीशंस थी, ऐसा नहीं है। अगर इतिहास के बारे में कथन करना ही है तो वो सोने की चिड़िया कहलाने जाने वाला एक देश, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। क्या नहीं था साहब हमारे पास? मेटलर्जिकल साइंस में भारत आगे, आयुर्वेद में भारत सबसे आगे, यहां बनने वाला रेशम, यहां इथे आपली मसाल्याची पदार्थ, या तो सगळ्यात जगामध्ये दणका होता आपला आयुर्वेद। रिसर्च है, प्योर रिसर्च, की कौन सी वनस्पति का क्या औषधि उपयोग है। समय लगता होगा,
समय लगता है लेकिन आपकी शारीरिक व्याधि को पूरी तरह से उखाड़कर बाहर फेंकने वाला आयुर्वेद प्योर रिसर्च है जो इस भूमि पर एक समय में हुआ। अगर आप किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहां आप उनकी लाइब्रेरी में जरूर जाएं, सुश्रुत संहिता नाम की किताब आपको वहां दिखेगी। हुआ सुश्रुत फादर ऑफ सर्जरी, आद्य सर्जन। मैं एक डॉक्टर जाधव वर्धा में रहते हैं उनके यहां मैं गया था, वहां वो किताब मुझे दिखी, मैंने खोलकर देखी। आज जो सर्जरी में हम इक्विपमेंट यूज करते हैं उसके डायग्राम सुश्रुत ने बनाई हुई वहां पर निकाली गई है, रिसर्च है। ऐसे कईयों विषयों पर भारत में तह तक जाकर रिसर्च हुई, अभ्यास हुआ। अच्छा खैर ये तो चीजें किताबी, आप कहोगे सर आज तो ये आंखों से दिखाई नहीं देती, ठीक है, लेकिन आज जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं वो भारत का इंजीनियरिंग और भारत का आर्किटेक्चर जो हमारे मंदिरों के रूप में हमारे सामने आज भी खड़ा है। आप केदारनाथ जाए, आप कोणार्क के सूर्य मंदिर को देखें, आप भोजपुर जाए, आप खजुराहो जाए, पंढरपुर जाए, कोल्हापुर जाए, नीचे दक्षिण में उतरे हम्पी है, रामेश्वरम है, मदुरई है, मीनाक्षी मंदिरम, आप केवल आर्किटेक्चर देखिए। तंजावर में, दक्षिण भारत में जो तंजावर है जहां शिवाजी महाराज का राजपाट था एक समय में, तंजावर में जो शिव मंदिर है उसके शिवलिंग का जो पत्थर है वो एक अखंड पत्थर में से तराशा गया शिवलिंग है, एक पत्थर से। उस पत्थर जिससे वो तराशा गया होगा, अंदाजा ऐसा है कि उस पत्थर का वजन 250 टन्स होगा। और ये पत्थर कहां से बुलवाया था? ये लाया गया था गुजरात से। आप बताइए सर, क्रेन नहीं है, वो लंबे ट्रेलर ट्रक्स नहीं है, फोर लेन हाईवेज नहीं है, आज हम जो देखते हैं उस तरह के सटीक घाट नहीं है, कहां से ये पत्थर वहन करके गुजरात से वहां तक पहुंचा होगा, कैसे तराशा होगा? और सबसे अफलातून नमूना तो औरंगाबाद के पास अगर आप जाते हैं, वेरूलच्या लेण्या, कैलाश मंदिर, कार्विंग का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। एक बड़े पत्थर के पहाड़ को तराश कर अंदर जाते 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 पूरा मंदिर तराश दिया है एक पत्थर में। एक गलती एंड यू आर फिनिश्ड। एंड द बेस्ट पार्ट इज जिसने वो मंदिर तराशा उनके, और जिसने स्पॉन्सर्ड या फंडिंग किया होगा उनके नाम तक लिखे नहीं है, नहीं तो आज मंदिराला दगड़ लावायचा होता एक्स वाय झेडच्या स्मरणार्थ। वो स्मरण हो गया, बाजू में खाली माझं नाव बोल्ड मध्ये आलं पाहिजे, 1,00,000 रुपये मी दिले, मैंने दान किया। दान सत्पात्री होता है, उसका कभी नाम नहीं लिखना चाहिए। एनीवे, ये भारत का वैभव था, हमारी शिक्षण व्यवस्था तगड़ी थी, इसके उदाहरण आज पग पग पर मिलते हैं। फिर गया कहां वो वैभव, गया कहां? आज बेरोजगारी दिसते, भ्रष्टाचार दिसतोय, लंगड़े तोड़स दिसते। आज भी 10,000 का मोबाइल रास्ते पे गिरा तो अच्छे अच्छे घर का बंदा भी उसको उठाकर अपनी जेब में ठूस लेता है। ये क्या हुआ दोस्तों? ये 900 सालों की जो युद्ध की परंपरा, 900 सालों की गुलामी जो आई, सामर्थ्यशाली भारत को लूटने के लिए लगातार आक्रमण, शकों का आक्रमण, हूणों का आक्रमण, कुषाणों का आक्रमण, अलेक्जेंडर तक हमारी भूमि को निगलने के लिए आया था, उस सोने की चिड़िया के पर लूटने आया था, लेकिन उस समय के हमारे वीरों ने प्रयत्नों की पराकाष्ठा कर इन तमाम आक्रमणों को बाहर से भारत से खदेड़ दिया। लेकिन अरबस्तान से जब आक्रमण शुरू हुए वो इतने दिल दहलाने वाले आक्रमण थे कि जिनके बारे में लिखते हैं इतिहासकार, लिखते हैं कि रोंगटे खड़े कर देने वाला इतिहास किसको कहा जाता है। अगर चंद उदाहरण आपके सामने रखने की कोशिश करूं तो सही में रोंगटे खड़े हो जाए। जब दक्षिण भारत में हड़कंप उड़ा और उसके बाद विजयनगर का वैभवशाली साम्राज्य खड़ा होता है तो दक्षिण की पांचों शाहियां, आदिल शाही, कुतुब शाह, निजाम शाह, बेरिक शाह, ये पांचों मिलकर विजयनगर साम्राज्य को तहस नहस करने के लिए आक्रमण करते हैं। राक्षस भुवन के पास वो लड़ाई होती है, राजा राम जिंदा पकड़ा जाता है, उसका मस्तक आदिल शाह उड़ाता है और मस्तक अथला मेंदू पोखरून वो मस्तक नालीच्या तोंडाशी त्यांनी असं फिट केलं की त्या नालीतून बाहेर पडणारी घाण तुमच्या चक्रवर्ती सम्राटाच्या तोंडातून बाहेर पडली पाहिजे, इतनी बरबरता। अगर कभी आप पंजाब जाते हैं, अमृतसर जाते हैं और समूचे भारत को वंदनीय उस अकाल तख्त के दर्शन करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने जरूर जाए। जलियांवाला बाग से जो रास्ता स्वर्ण मंदिर के अंदर जाता है, मैं 2 बार वहां गया हूं दोस्तों, अंदर जाते ही दाहिने हाथ की सफेद बिल्डिंग के पहले माले के हॉल में जरूर जाइए, अपना जो नीचे वाला हॉल है उससे थोड़ा सा बड़ा एक हॉल है और चौतरफा दीवारों पर चित्र बने हैं। आपको पता है किसके चित्र है? सिंध और पंजाब प्रांत के हमारे वीरों ने इन बर्बर आक्रमणों का मुकाबला करते हुए कैसे कैसे अत्याचारों को सहन किया होगा उसके चित्र बने।
गुरु परंपरा तक नहीं बच पाई, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक कितने अत्याचार गुरुओं ने सहन किए, गुरु अर्जन देव की शहीदी कैसे हुई, गुरु तेग बहादुर कैसे, अभी पिछले महीने गुरु तेग बहादुर की शहीदी हुई, दशमेश दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह के दो नौजवान बेटे रण मैदान पर मारे जाते हैं और दो छोटे बेटे नाम फतेह सिंह और जोरावर सिंह उम्र 6 साल और 9 साल जिंदा सुल्तानों के हाथ में पड़ते हैं और सुल्तान उनको सजा फरमाता है कि धर्मांतर नहीं करोगे तो इनको दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाए, 6 और 9 साल के बच्चों को दीवार में दफना दिया जाता। महिलाओं पर बच्चियों पर जो अत्याचार हुए, इतिहासकार कहते हैं हमारे कर्म को भी शर्म आती है, इतने घिनौने अत्याचार। कुछ उम्र में छोटे बच्चे बैठे, मैं शायद मैं उदाहरण भी न दे पाऊं, इतने बर्बर अत्याचार उस समय महिलाओं पर हुए। कितने साल ये अंधाधुंध चला दोस्तों, उत्तर भारत में 650 साल, 650 वर्ष आपकी मेरी जिंदगी, 60, 70, 80 साल, 650 ईयर्स लगातार आक्रमण हो रहे हैं। और महाराष्ट्र और नीचे 300 साल की अमावस्या, आत्मविस्मृत समाज, स्वाभिमान शून्य समाज, हम सब एक है ये भावना जो भूल चुका है, विजी किसी वृत्ति का अभाव है, हम सब मिलकर पराक्रम से इन सबको उखाड़ कर फेंक सकते हैं, ये विस्मृति हो चुकी है और अब हमें इससे कोई बचा नहीं पाएगा। ये विचार समूचे भारत में जब फैल रहा है, हमारे ही भारत के उस समय के अभ्यासक लिखते हैं, दिल्लीश्वरो व जगदीश्वरो, यानी दिल्लीश्वर यानी दिल्ली का सुल्तान ही अब जगदीश्वर है। आप सोचिए, जागृत वर्ग में भी इस तरह के विचार फैलना शुरू हो चुके थे। इस पार्श्व भूमि पर फाल्गुन वद्य तृतीया 19 फरवरी 1630 एक बच्चे का महाराष्ट्र में जन्म होता है। मला माहिती नाही जगाने त्या घटनेची दखल घेतली की नाही घेतली, लेकिन 50 साल की आयु या 50 वर्षात या मुलांनी असा यशकीर्ती प्रताप महिमा गाजवला की आज अगर जागतिक इतिहास लिखने की नौबत आती है तो छत्रपती शिवाजी महाराज ये 3 शब्द लिखे बिना जागतिक इतिहास पूर्ण नहीं हो सकता। ये ताकत शिवाजी महाराज ने भारत में खड़ी कर। मैंने महाराष्ट्र में खड़ी करके दिखा दी ये नहीं कहा, मैंने भारत में ताकत खड़ी कर दिखा दी ये कहा, क्योंकि सबूत है आज की शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर कैसे कैसे भारत में अनेकों लोगों ने अपने अपने जगहों पर स्वराज्य का झंडा फहराया है, इसके कई पुख्ता सबूत आज हम सबके सामने। लेकिन कविराज भूषण जैसे एक व्यक्ति जो उत्तर भारत में थी, आज भी ब्रजभाषी कविता में कविराज भूषण के नाम का दबदबा है। उत्तर प्रदेश में जहां से बीरबल आया था, बीरबल के गांव का नाम अकबरपुर बीरबल, वहां से एक छोटा सा एक कस्बा है उस गांव के पास, उस कस्बे का नाम है त्रिविक्रमपुर, आज हम जिसको उत्तर प्रदेश में टिकमापुर कहते हैं, उस टिकमापुर से आया हुआ ये कविराज भूषण, इसने लिखी हुई एक कविता है जो भारत का उस समय का वर्णन बयां करती है कि देवल गिरावते फिरावते निशानली, ऐसे समय रावेरा ने सभी गए लपकी कि मंदिर ध्वस्त हो रहे हैं, हम पर अत्याचार हो रहे हैं और जो राव और राणी यानी जो राजा महाराजा है जिन्होंने हमारी रक्षा करनी चाहिए ये दुबक कर बैठे हैं, गौरी और गणपति आप तो विघ्नहर्ती देवता हैं, आपको हम पूजते इसलिए कि जब विघ्न आएगा तो आप उस विघ्न को हरण करें, जब आपकी खुद की बारी आई तो आप डुबकी लगाकर बैठे हैं, और जो सिद्ध है उन सिद्धों की सिद्धाई पता नहीं कहां चली गई, आज वो भी दिखाई नहीं देते हैं। ऐसी विपरीत परिस्थिति में शिवाजी राजा आए इसलिए भारत बचा, ये कविराज भूषण कहता है, देवल गिरावते फिरावते निशान अली, ऐसे समय रावेरा ने सभी गए लपकी, गौरा गणपति आप औरन को देखत आप अपनी ही बारी आई मार गए डुबकी, पीरा पैगंबरा दिगंबरा दिखाई दे सिद्ध की सिद्धाई गई, रही बात रब की काशी हु की कला गई, काशी की कला गई, मथुरा मस्जिद भई मथुरा की मस्जिद हुई, अगर शिवाजी ना होते तो सुन्नत होत सबकी, ये उस समय कविराज भूषण की लिखी हुई कविता की, अगर शिवाजी नहीं होता तो हमारा भारत भारत नहीं रहता। इतनी विपरीत परिस्थितियों में शिवाजी महाराज अपना काम कार्य प्रारंभ करते हैं दोस्तों, सोचिए आप कौन से रिसोर्सेस उनके हाथ में थे। और हम आज देखते हैं, मेरे पास कई पालक अपने बच्चों को ले आते हैं काउंसलिंग करने के लिए ले आते हैं, वो कहते हैं कि सर ये पढ़ाई नहीं करता। मैंने कहा क्यों नहीं करता, तो बोले इसकी डिमांड खत्म नहीं होती है। कौन सी डिमांड करता है, जो आमतौर पर दोस्तों हम और आप भी करते रहते हैं कि मम्मी अगर आपको चाहिए कि मैंने पढ़ाई करना है तो लिस्ट की शुरुआत, मुझे एक अलग कमरा लगेगा, वहां कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे,
मुझे आपका हिलने डुलने वाला टेबल नहीं चाहिए, मुझे वो प्रॉपर स्पेस मुड़ का अच्छा टक से बटन दबाए तो एलईडी लाइट बाहर आना चाहिए, खचकन बटन दबले के लैपटॉप से कप्पा बाहर आना पाहिजे, मुझे एक स्मार्टफोन लगेगा, उसमें धीरूभाई अंबानी का तीसरा बेटा मुझे चाहिए, मुझे पहला अनिल दूसरा मुकेश तीसरा जियो वो लगेगा, उसमें मैं क्या करता हूं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, शंख पुष्पी की एक बोतल मुझे लगेगी, दीदी की पुरानी किताबें मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे ब्रांड न्यू किताबें लगने वाली है, और वो साइकिल से मैं सारे गांव में नहीं घूमने वाला, आपको पता नहीं मैं कितना ओवर एक्सर्ट होता हूं, मुझे गाड़ी चाहिए, और कल जाकर मेरे गेट के सामने वो पिंक कलर की स्कूटी पे खड़ी मत करना, मुझे चाहिए एंटासर पल्सर या बुलेट पोरगा अगरबत्ती पण गाड़े आशा, इतनी सारी डिमांड। और मैंने कह रहा हूं कि हर घर घर का बच्चा ये सारी डिमांड्स करता है, लेकिन हम खुद को परख कर देखें, इनमें से कई डिमांड्स अपने पेरेंट्स की ताकत न होने के बावजूद हम उन पर थोपते हैं कि ये सब दोगे तभी मैं पढ़ूंगा, अदरवाइज डोंट एक्सपेक्ट। और मां बाप बेचारे मर मर कर, कई बार मैं देखता हूं एफडी तोड़कर गाड़ियां लाई जाती है, एफडी तोड़कर, क्यों? क्योंकि बच्चे की जिद, उपोषण सत्याग्रह अन्न त्याग, जब तक गाड़ी नहीं मिलेगी तब तक मैं जबरदस्ती, इतना सब मिलने के बाद उसको पूछो बेटा बेटा ट्वेल्थ में कितना परसेंट मिला, आई हैव स्कोर्ड 92.95। इतनी नखरे करने के बाद अगर 42.95 लेना था तो किए क्यों? और मेरा कहना इससे पूरा विपरीत है कि चाहे कमरा होना हो, चाहे गाड़ी होना हो, चाहे शंख पुष्पी होना हो, मोबाइल होना हो, दीदी की पुरानी फटी किताबें ही क्यों ना पढ़ने मिले, मैं पढ़कर दिखाऊंगा, जो है उन साधनों में मैं काम कर दिखाऊंगा। ये एटीट्यूड अगर हम डेवलप नहीं करेंगे दोस्तों, तो आज माता पिता और टीचर से जो पीठ पर हाथ फिराकर बोलते बेटा नहीं हो जाएगा, बेटा आराम से कर बेटा, बाहर जाकर कोई बेटा नहीं बोलने वाला, बाहर जाकर अगर काम नहीं करा तो वहां आप किसी चीज की दुहाई नहीं दे सकते कि सर्दी झाली होती म्हणून मी क्लास तर येऊ शकलो नाही सर, सर्दी नाकात होते ना बाबा, कानात तर होत नाही ना, तुला तर ऐकायचंच आहे क्लास मध्ये येऊन, बोलणार मी आहे, सर्दी झाली म्हणून क्लास नाही, ऐसी दुहाई देकर अगर हम भागेंगे तो आगे चलकर आपको कोई बेटा बेटा बोलने नहीं वाला, वो कहेगा बेटा पीछे मुड़ नीचे झुक, और बाकी मैं यहां नहीं बता सकता। कॉर्पोरेट्स के सारे शब्द हर जगह नहीं उच्चार किए जाते, तो परफॉर्मेंस इससे कोई भाग नहीं सकता साहब। शिवाजी महाराज अगर इन सब चीजों की दुहाई देते, मेरे पास सेना नहीं है, मेरे पास शस्त्रास्त्र नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं नौकरी करूंगा किसकी, मैं सुल्तानों की नौकरी करूंगा, तो भारत कभी खड़ा नहीं होगा। ही वॉज द वन हु कुड डिसाइड कि नहीं, जो है जितना है मैं अपना काम शुरू करूंगा, उम्र 14 साल। और यही इतिहास खुद को दोहराता है, जब एक लड़का जिसका नाम नरेंद्र, पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त, एक बहुत ही अच्छा और सदन परिवार, लेकिन दुर्भाग्यवश पिताजी का देहांत होता है। इस बच्चे का जन्म 1863, मेरे हिसाब से 1884 विश्वनाथ जी का निधन 84, और संकटों का पहाड़ टूटना किसको कहते हैं, वो सारा वैभव धरा का धरा रहा, और अब माता बंधु और खुद नरेंद्र, खाने के लिए पैसा नहीं है, घर चलाने लायक नौकरी भी नहीं है, प्रयास बहुत किए लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ अड़ंगा आता है, और बचपन से एक सपना तो हमेशा दिखाई देता था कि सपने में दो फिगर्स आती थी सामने, एक गृहस्थ की और दूसरी साधु की, यानी वो जो झगड़ा था मन में वो बचपन से चल रहा है। आप देखिए कि मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी लाइन पकड़नी है, गृहस्थ की लाइन दिखती है और एक सन्यास्त की लाइन दिखती है, सब तरह की विपदाएं हैं, कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन ये बच्चा भी पीछे नहीं हटा, ये भी दुहाई दे सकता था कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं देश काज नहीं कर सकता, मैं अपने घर में जो सामान्य इंसान करता है मैं भी एक नौकरी करूंगा, एक पत्नी चार बच्चे, मैं मेरा घर और दत्त परिवार का स्प्रेड बढ़ाता रहूंगा, ये उसने नहीं करा, ये उस बच्चे ने नहीं किया। विपरीत परिस्थितियों से जूझने की ताकत इन दोनों में समान थी, अगर ये पहली चीज भी दोस्तों अगर हम सीख ले हमारी जिंदगी में, तो मुझे लगता है हम ये दुहाई देना बंद कर देंगे। एग्जाम क्यों नहीं दिया, किसी चीज की दुहाई, होमवर्क क्यों नहीं करा, किसी चीज की दुहाई, कोई दिया हुआ टास्क कंप्लीट क्यों नहीं है, किसी चीज की दुहाई, और दुहाई इतनी कमजोर होती है
कि कई बार हमको सुनने के लिए अटपटा लगता है, बहन के मौसी के लड़के के चाची की शादी थी इसलिए मैं नहीं आ पाया। परफॉर्मेंस से हम भाग नहीं सकते दोस्तों। पहला काम अगर हम ये करें और ये अगर हमने तय कर लिया तो दूसरी लेकिन सबसे अहम चीज फिर आती है, और वो ये है कि क्या हमने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करा है। अब ये गोल सेटिंग ऐसी चीज है, आपको सर जो ट्रेनर आता है इसके ऊपर ही बम्बार्डिंग करता है, जरूरी है, जरूरी है, इसलिए हर ट्रेनर इसके बारे में कहता है, हर स्पीकर इसी के बारे में बोलता है। अदरवाइज फर्ज करो आप नागपुर रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, सैकड़ों ट्रेनों का आवागमन हो रहा है और दोस्तों आपको पता ही नहीं है किस गांव जाना है। अब आप बताइए किस ट्रेन में बैठोगे, बेटा कौन से ट्रेन में बैठोगे, आपको पता ही नहीं कौन से गांव जाना है, आप कौन से ट्रेन में बैठोगे, आप कहां बैठोगे, आप कहां बैठोगे, इसका कोई जवाब नहीं साहब, क्योंकि हमको पता ही नहीं है किस गांव जाना है तो किस ट्रेन, कौन सा रास्ता, कौन सी टैक्सी, कौन सी गाड़ी, कौन सी टू व्हीलर, कौन सी फोर व्हीलर, कौन सी बस, ये सारी चीजें धरी की धरी रह जाती है क्योंकि डेस्टिनेशन ही पता नहीं है। और फिर ऐसे लोग 12वीं पास करने के बाद आते हैं और वो कहते हैं सर मेरे चार दोस्त इंजीनियरिंग की ट्रेन में चढ़े, मैं भी उनके पीछे पीछे इंजीनियरिंग की ट्रेन में चढ़ गया, दो स्टॉप जाने के बाद पता चला ट्रेन गलत हो गई, फिर उतरा फिर वापस आया अपने स्टॉप पर। मेरी बड़ी दीदी कॉमर्स की ट्रेन में चढ़ी, उसने कहा बहुत अच्छा है कॉमर्स तू भी कर, मैं भी उसके पीछे चल पड़ा, एक स्टेशन बाद पता चला गलत ट्रेन है, मैं वापस आ गया। मेरी बगल वाली आंटी ने कहा कि मेरी बेटी ने एमबीबीएस करा उसका भला हो गया, तू भी एमबीबीएस कर तेरा भी भला हो जाएगा, मैं एमबीबीएस के ट्रेन में चढ़ा। ऐसी गलत ट्रेन में चढ़ने वाले और कई बार उतरने वाले लोग कितने हैं आप देखिए अपने अगल बगल में, कई लोगों को तो लाइन ही नहीं मिलती जिंदगी भर, जो अपना लक्ष्य नहीं रख पाता। एक बार तय हो जाए कि कोलकाता जाना है, सॉरी एक बार तय हो जाए कोलकाता जाना है, अब ग्राफ सामने आ गया, रेडी हो गया, अब नागपुर से कोलकाता डिस्टेंस पता चल गया, अब वेज ऑफ कैसे हमको जाना है वो तय हो गया, अब रेलवे से जाना है, बस से जाना है, गाड़ी लेकर जाना है, सारी चीजें आप चॉकआउट कर सकते दोस्तों अगर डेस्टिनेशन हमको पता है तो। 14 साल की उम्र में वो लड़का तय करता है कि भारत पर अधिराज्य करने वाले इन तमाम सत्ताओं को मैं यहां से उखाड़ कर फेंक दूंगा और यहां हिंदवी स्वराज्य की स्थापना होगी। ये गोल स्टेटमेंट दिया है उम्र 14 साल है शिवाजी राजा के, 14 ईयर्स ऑफ एज। और कहीं ना कहीं स्वामी जी के इसमें, अभी वो स्वामी जी बने नहीं थे, वो नरेंद्र थे, और शायद पहले की व्याख्यानों में विषय आया होगा कि एक सवाल जो अंदर से धक्के दे रहा था कि भगवान, हैव यू सीन गॉड, भगवान को आपने देखा है, बार बार ये धक्के देने वाला सवाल आता था, जो भी बड़ी व्यक्ति दिखाई देती थी उन सबको ये सवाल पूछा करते थे, जवाब मिलता नहीं था। और तभी जब कॉलेज में पढ़ रहे थे और वो वर्ड्सवर्थ की कविता नेचर पर लिखी हुई कविता, जिसमें उनके जो प्राध्यापक थे जिनका नाम था हेस्टी, आई सपोज हेस्टी, कहते हैं कि नेचर के साथ वो तादाद में, जो इसको हम एक ध्यान धारणा, एक उन्मनी अवस्था अपन जाना मन तो काइंड ऑफ मेडिटेशन, कि यू आर नॉट इन दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड, आप कहीं और हो, ये जो तादाद में होता है कि अद्वैत, अब मैं अलग नहीं हूं, अब मैं और नेचर, मैं और सृष्टि एक हो चुके हैं, ये भावना नेचर के साथ आई, इसका जिक्र हेस्टी करते हैं। और विवेकानंद का वो क्वेश्चन, नरेंद्र का वो क्वेश्चन फिर से जागृत होता है कि आपने भगवान देखा, कि आपने इस अवस्था का वर्णन जो आप कर रहे हो आपने अनुभूति की है क्या। हेस्टी कहते कि मैंने तो खुद नहीं करी, लेकिन वो काली मंदिर में एक इंसान रहता है उसने ये करी है, तुम उससे जाकर मिलो। और तब जाकर कर पहली बार नरेंद्र ऐसे एक व्यक्ति के सामने आते हैं जिसको हमारी भारतीय संस्कृति में कदाचित हमेशा ऐसे ही होता है कि खुरटं गवत वाढलेलं आणि समोरून पाहिल्यावर त्याची ताकद दिसणार नाही, पण त्याच्या संपर्कात आल्यावर तो हिरा काय असतो, कस्तुरी काय असते, त्याचा अनुभव असेच लोक आपल्याला आपल्या आयुष्यात देतात। हे आपल्या भारतीय संस्कृतीचं एक फार मोठं वैशिष्ट्य। कई बार ऊपर से चकाचक दिखने वाले लोग भी आपको संस्कृति का, जीवन का वो मूल्य नहीं बता सकते जो ऊपर से ऐसा ओबड़ धोबड़ दिखना एखादा माणूस तुम्हारा दाखवून दे। नरेंद्र मिलने जाते हैं और पहली बार वो सवाल उनको शूट करते हैं, उस व्यक्ति का नाम था रामकृष्ण परमहंस, आपने भगवान को देखा, हाँ मैंने देखा, और जब तुम्हारी तैयारी पूरी हो जाएगी तो तुमको भी उसके दर्शन होंगे। पहली बार ये अलग जवाब नरेंद्र को मिलता है, उसके बाद कांटेक्ट बढ़ता है। ये जो पहली मुलाकात थी ये लगभग नवंबर का महीना होगा 1881,
और उसके बाद एक लगभग चार साढ़े चार पांच साल का उन दोनों का इंटरेक्शन है, जहां तक मुझे ज्ञात है 1886 में रामकृष्ण परमहंस जी का देहांत है। इन चार पांच सालों में जो जो डाउनलोड उनको मिला, एक बात तो तय होगी कि विचार इतने श्रेष्ठ है इस व्यक्ति के, हा दिसतो सामान्य माणूस, पण याचे विचार एवढे श्रेष्ठ है कि भारत काय, भारतीय संस्कृति काय, मानवता क्या है और इंसान का सही मायने में धर्म इस जनता जनार्दन की सेवा करना है। और वो सही मायने में, मैं कोई पॉलिटिकल वर्ड वहां बाहर नहीं निकालना चाहता कि हम देश की सेवा करने के लिए, मैं सामान्य जनता की सेवा करने के लिए, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मुळामध्येच नारायणाचा शोध घ्यायचा असेल तो त्या नरात घ्यावा लागेल, माणसात घ्यायला लागेल। जो हमारी संत परंपरा सालों से कहती आ रही है, उसी का एक आविष्कार जब सुनने में आता है, तब पता चलता है कि चाहे हमारी जिंदगी बीत जाए, चाहे हमारे घर उध्वस्त हो जाए, लेकिन इन विचारों को टिकना होगा, इन विचारों को लोगों तक पहुंचाना होगा। ये गोल स्टेटमेंट कहीं ना कहीं उन दिनों में नरेंद्र के जहन में आता है कि ये करके दिखाना। देखिए, गोल इन दोनों ने अपने जीवन में ऐसे रखे। एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि गोल अगर आप सामान्य रखोगे तो ये गलती नहीं, ये गुनाह है, गुनाह। टेंथ की एग्जाम है और हमने गोल रखा, टेंथ की एग्जाम का गोल 60% चाहिए, 60% मिलने चाहिए, खत्म, यू आर फिनिश्ड, 45 के आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी। गोल हमेशा बड़ा रखना पड़ता है ताकि जब उसकी बड़ी तैयारी हम करेंगे, हो सकता है उस गोल को छू ले, और अगर नहीं भी छूते हैं, 90 का गोल अगर हम रखें और उस तरह से पढ़ाई करने की कोशिश करें, एटलीस्ट 75-80 तक तो पहुंचे। छोटा गोल रखना ये गुनाह है, ये कायरता है। और इसलिए शिवाजी ने हल्का गोल नहीं रखा, पुणे साम्राज्य को मुक्त करूंगा और पुणे पर भोंसलों की रियासत इसके बाद होगी, ऐसे चिल्लर गोल उन्होंने नहीं रखे। आ सेतु सिंधु खालून वर पर्यंत, सिंधु सागरापासून सिंधु नदा पर्यंत संपूर्ण भारताला आणि यांच्या तीर्थक्षेत्रांना स्वतंत्र करायचं आहे। अनफॉर्च्युनेटली शिवाजी महाराज का ध्येय हमारे लोगों ने लिखकर नहीं रखा, एक फ्रेंच डॉक्यूमेंट से हमारे सामने आता है। बार्चलमुख एबे कैरे, ये फ्रेंच इंसान जब भारत के दौरे पर आया था, उसने लिखकर रखा है कि शिवाजी के लोग हमको बताते हैं कि शिवाजी महाराजांचं ध्येय काय, हे ध्येय कि संपूर्ण भारताला स्वतंत्र करायचं, चिल्लर ध्येय नाही। ठरू विवेकानंद ने सामान्य ध्येय नहीं रखा कि कोलकाता के आगे भागे और बेलूर मठ के आसपास के लोगों को केवल मैं तत्व ज्ञान दूंगा और बस उन्हीं लोगों में संतोष ना, आवश्यकता पड़ी तो साता समुद्र पार जाए और तिथ सुद्धा मी सुनवेल। ध्येय मोठ कि मानवतेचं ध्येय, और ऐसी परीक्षाओं की, बड़ी परीक्षाओं की तैयारियां भी उतनी भव्य होती है, वो सामान्य नहीं हो सकती। और इसलिए 14 साल का बच्चा जब शपथ लेता है कि मैं या भारत और अधिराज्य करना सगैंना उखड़ फेंकेल, उसकी तैयारियां शुरू होती है। सबसे पहली चीज इस बच्चे ने जो करी है वो यही है कि आप कोई भी बड़ा काम करना चाहते दोस्तों, उसमें हो सकता है आपको निगेटिव तरीका भी इस्तेमाल करे, यानी आक्रमण भी करना पड़े, लेकिन शुरुआत आप आक्रमण से नहीं कर सकते। हे त्रिकाला बाधित सत्य है कि ज्याला काम उभं करायचं आहे, ज्याला मोठं कार्य करायचं आहे, त्याला पहिले विधायक कामच करावं लागेल, अच्छा काम ही करना पड़ेगा। और अच्छा काम याने परित्राणाय साधुनाम, भगवान कृष्णांनी सांगून ठेवलंय, भगवद्गीतेत सांगितलंय, रणांगणावर उभं राहून सांगितलंय की यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवती भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब अधर्म का बोलबाला बढ़ेगा, जब जब धर्म डूब रहा है ऐसी संभावनाएं आएगी, जब जब सज्जन मुश्किल में फंसेंगे और दुर्जन बड़े हो रहे हैं ऐसे दिखाई देगा, तब तब मैं स्वयं जन्म लेकर सज्जनों का परित्राण और दुर्जनों का संहार करने के लिए मैं आऊंगा, ये वचन भारतीयों को भगवान कृष्ण ने दिया था। लेकिन ये कहते हुए भी उन्होंने ऐसे नहीं कहा, पहला शब्द आप सोचिए दोस्तों, परित्राणाय साधुनाम पहले है, फिर विनाशाय च दुष्कृताम है, दुर्जनों का संहार करना है, दुष्प्रवृत्तियों को अगर उखाड़ फेंकना है तो आप पहले नहीं कर सकते, आपको पहले कंस्ट्रक्टिव काम करना पड़ेगा। उन दुष्ट लोगों को उखाड़ कर फेंकने के लिए पहले तो सज्जन शक्ति को एकत्र आना पड़ेगा। आज जो हम यहां पर एकत्रित हुए हैं ये परित्राणाय साधुनाम है, अच्छे लोग इकट्ठा हुए हैं, ये अच्छे लोग मिलकर अगर, यानी बोलने वाला एक ना होते हुए बोलने वाले जब ये 700-800 हजार लोग रहेंगे, तो अपने आप जो दुष्प्रवृत्तियां हैं लोगों की, हमें उनको तो लोगों को खत्म नहीं करना है, उन प्रवृत्तियों को खत्म करना है। मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है,
भले वो शाहरुख खान का गाना है लेकिन ये लाइन बहुत जबरदस्त है स्वदेश पिक्चर में कि राम किसमें है, मन से रावण जो निकाले राम उसके मन में है, हमें लोगों के मन से रावण निकालना है। और इसीलिए परित्राणाय साधु नाम, शिवाजी राजा ने वो करा है कि बाद में विधायक विघातक कार्य करने हैं, सुल्तानों को खदेड़ना है, वो सत्ता उलट पुलट करनी है, लेकिन सबसे पहले मुझे जो करना है पहले सज्जनों का एकत्रीकरण, उनको इकट्ठा लाना पड़ेगा। और इसलिए अपनी उम्र के बच्चों को साथ में लेते हुए पहला काम शारीरिक मजबूती, फिजिकल फिटनेस। अगर ये नहीं है दोस्तों तो आप लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सकते। आपके विचार कितने बड़े हो, देर आर चांसेस कि आप बीच पिच पर रनआउट हो जाएंगे। बड़ा काम जिसको करना है उसको अपनी तबीयत पहले संभालनी पड़ती है। और इसीलिए किसी भी बड़े कार्य का अधिष्ठान स्वतःची तबियत है। टिड़कांची घटना आपने माना, टिड़क अतिशय वीक होते, लोकमान्य टिड़क बहुत वीक थे, लेकिन जब जहन में आया कि मैं स्वतंत्र समर में भी उड़ी घेराचा प्रयत्न करता है और तब अगर अंग्रेज मुझे पकड़ते हैं और प्रसाद मिळेल तो तिथे शरीर सुद्धा असं खणखणीत असलं पाहिजे की ते सगळं पचवता आलं पाहिजे। आणि म्हणून एक दीड वर्ष सुट्टी घेतली आहे सार्वजनिक कामांमधून आणि मग स्वतःचं शरीर पहिले बलशाली केलेलं आहे। शिवाजी राजा और उनके ये तमाम छोटे छोटे दोस्त, सह्याद्री मध्ये धाव, नदी मध्ये डूम, घोड्यावर फिर, तलवार चालो, पट्टा चालो, ये सारे काम करते हुए पहले फिजिकल फिटनेस, उसके लिए समय देना ही पड़ेगा। प्रोबेबली जितना समय पढ़ाई के लिए दे रहे हैं उससे एटलीस्ट आधा समय खुद के फिजिकल फिटनेस के लिए देना ही पड़ेगा। और इसलिए मुझे भी जब मठ की दिनचर्या का पता चला तो यहां भाई पहले शरीर, तो उसके लिए खेल, उसके लिए व्यायाम, उसके लिए अगर वॉलीबॉल भी खेलना पड़े तो खेलों के माध्यम से शरीर को मजबूत और निरोगी रखना यह आवश्यक तत्व है। इन सबसे शारीरिक मेहनत करते हुए वो फिटनेस, और दूसरी चीज जो हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में लगने वाली है, टेक्निकल एक्सपर्टीज। मैं जिस फील्ड में हूं उस फील्ड की समूची जानकारी मुझे होनी चाहिए, इसका आग्रह। अगर आप में से कोई बीएससी का स्टूडेंट है तो डजंट मैटर कि इंजीनियरिंग में क्या चल रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको बिल्कुल पता नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग में जो हो रहा है हो रहा है, मुझे मेरे बीएससी के बारे में संपूर्ण इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप में से कोई लॉ कर रहा है तो डजंट मैटर कि एमबीबीएस में क्या चल रहा है आपको पता होना हो, लेकिन आपके लॉ में क्या चल रहा है यह आपको पूरा मुंह जबानी याद होना चाहिए। अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट है तो उसे आर्ट्स में क्या चल रहा है इसकी इंफॉर्मेशन होना हो, कॉमर्स की तह तक इंफॉर्मेशन उसको होनी ही चाहिए। और ये जिसको करना है उसको घीमे के नोट्स पढ़कर काम नहीं बनेगा, उसको बीबीडी पढ़कर काम नहीं बनेगा, उसको टेकमैक्स पढ़कर काम नहीं बनेगा। क्योंकि पढ़िए, आप रिकॉर्डिंग चल रहा है मुझे पता है, मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं आप नोट्स जरूर पढ़े। इतनी बड़ी किताब कौन पढ़ेगा यार, मेरा तकिया इससे पतला है, उससे छोटा एकदम पतला छिन्नी, इतना छोटा अगर कुछ मिल जाए और उसके बूते नागपुर यूनिवर्सिटी में 60-70% मिल जाए तो यार इससे बेहतरीन चीज कौन सी हो सकती। जरूर नोट्स पढ़े, जरूर घीमे पढ़े, जरूर वीबीडी पढ़े इंजीनियर्स, पॉलिटेक्निक जरूर टेकमैक्स पढ़े, लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों, आप इसके चलते यूनिवर्सिटी में 60-70% ले आओगे, जिस दिन इंटरव्यू की नौबत आएगी और पहले 10 क्वेश्चन लगातार जब बम्बार्डिंग होगा टेक्निकल क्वेश्चंस का, और वो जब नहीं आएंगे, ये मुझे पता है क्योंकि जो नोट से पढ़ता है उसको एग्जाम के 2 महीने बाद पूछना डेफिनेशन, वो नोट्स जितना ही छोटी मेमोरी लेकर आता है, STML शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, और 1 साल बाद तो वो सब्जेक्ट भी याद नहीं रहता। और इसलिए जब वो इंटरव्यू और आपको खड़ा करेगा, पीछे मुड़वाएगा, नीचे झुकवाएगा और बाद में मैं अभी कुछ नहीं बोलना चाहता और वहां से बाहर करेगा, तब जाकर अपने प्रिंसिपल को अपने प्रोफेसर को फोन करना, सर गलती होगी, टेकमेक्स और घी में पड़ा, अब बताइए कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। और तब जब आप बुक में घुसोगे और कंसेप्चुअली उसको समझोगे तब जाकर के आपका वो प्रवास पूर्ण होगा आपके एजुकेशन का, तब तक कभी नहीं होगा। लिख लो, ये आपके प्रोफेसर आपको डे इन डे नाइट बताते होंगे, एक ऐसी व्यक्ति आपको बता रही जिसने पहले वो पीछे मुड़ नीचे झुक कर चुका है। मैं खुद नोट्स पढ़कर गया, इतनी गंदी लताड़ पड़ी है कि फिर जिंदगी बदल गई, फिर बुक्स का कभी साथ नहीं छोड़ा। इसलिए स्वामी जी ने जब बुक्स दिया, आई वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन, की बहुत बड़ा खजाना मुझको यहां पर मिल गया आज। बुक्स जो नहीं पढ़ेगा वो कंसेप्ट नहीं क्लियर कर सकता साहब। और इसीलिए सबसे अहम चीज आपने वो यहां पर फोकस विथ फोकस आपको डेवलप करनी पड़ेगी, आपका टेक्निकल नॉलेज। इन बच्चों का टेक्निकल नॉलेज था, इनकी तलवार, इनका दांडपट्टा, इनका भाला, इनका घोड़ा, धावत्या घोड़ाला कसा वळवायचं, खड़े घोड़े को कोई भी घुमा सकता है, दौड़ते हुए घोड़े को घुमाकर दिखाइए साहब, टेक्निकल एक्सपर्टीज।
इतनी जबरदस्त मेहनत इन लोगों ने इस पर करी है कि फिर इनका हाथ इन सब चीजों में कोई धर नहीं पाया। ही मेहनत आपल्याला घ्यावी लागणार आहे। नरेंद्र के जीवन में भी ऐसी घटनाएं आपको दिखाई देगी कि पहले तो शारीरिक मजबूती वो उम्दे थे, दिखने में बहुत अच्छे थे ही, वैसे ही उनकी हाइट लगभग 5.9 जहां तक मैंने पढ़ा है, 5 फुट 9 इंच की हाइट, लेकिन बहुत सुंदर दिखने में, डोए पाणीदार, तेज पुंज, इथे जे जे वटवागुळ बसलेली आहेत त्यांच्यासाठी खतरे की घंटी, क्योंकि आज कल्चर बन चुका है कि हम सुबह जल्दी नहीं उठते लेकिन रात को हम कितने बजे तक जाग सकते हैं। हॉस्टल का कल्चर सबको पता है कि रात को 3-3 बजे तक लोग जागते हैं। लेट मी टेल यू, जो रात को ज्यादा जागता है उसका चेहरा निस्तेज बनते जाते, उसकी आंखें निस्तेज होती है, और कई बार हम जैसे इंटरव्यूअर्स को आपका इंटरव्यू लेने की भी जरूरत नहीं, आपके चेहरे से समझ में आ जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। मराठीत आपण म्हणतो ते चेहऱ्यावरची माशी हलत नाही असे येऊन बसतात इंटरव्यू, असे निस्तेज झालेले चेहरे। मैं नहीं कहता कि वो कुछ काम के नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा काम के नहीं, वो बहुत ज्यादा काम के नहीं। तुमच्या चेहऱ्यात तुमचा स्पार्क, तुमच्या डोळ्यात तुमचा स्पार्क दिसतो। वो स्पार्क तभी आता है जब आप सुबह 4, 4:30, 5 बजे उठते, मैक्स 5:30 बहुत होगी। नहीं सर, सुबह उठ के पढ़ाई नहीं होती, आई बेट यू बॉस, रात को बैठकर जो 3 घंटे में आप समझोगे वो आप मॉर्निंग आवर्स में 1 से 1.5 घंटे में समझोगे। इसका सिंपल रीजन है कि दिन भर जो फिल्म हमारे आंखों के सामने चलती है खुली आंखों से, वो रात को जब पढ़ते हैं तब आंखों के सामने फ्लैशबैक होती दिखाई देती है जो जो दिन भर में हुआ है। और इसलिए पहला पन्ने को इतना सौभाग्य मिलता है बुक के कि पहला पन्ना, यानी आप पूरी किताब अगर 50 दिन पढ़ने वाले तो पहला पन्ना 25 दिन पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि पहला पन्ना खुलती है वो फिल्म रिपीट होना शुरू होती है कि दिन भर में क्या क्या हुआ, किसने लताड़ लगाई, किसने झापड़ मारी, किसने क्या कहा, मैडम ने किया, कैसे डांट दिया सबके सामने, कौन से लुभावने अनुभव आज मिले, वो सारे आंखों के सामने से आते हैं। नींद का वैशिष्ट्य यह है कि नींद इन सब चीजों को लगभग, मैं नहीं कह रहा हूं डिलीट कर देगा, ऑब्वियसली नॉट, लेकिन इन सबको एक अलग कंपार्टमेंट में छोड़ देता है। दूसरे दिन आप फ्रेश होते हो, इक्का दुक्का घटना जो बहुत इंपैक्टफुल होती वो याद आती है, अदरवाइज यू आर फ्रेश। इसलिए वो सुबह उठकर तपश्चर्या करने का महत्व हमारी संस्कृति में हजारों साल से बताया गया है। आपने कभी वर्णन सुना कि रामदास स्वामी रात को 3 बजे दासबोध लेकर बैठे? नहीं, वो सारा पुनश्चरण मॉर्निंग आवर्स में है। शिवाजी रात को 3-3 बजे तक नहीं, वो सब मॉर्निंग आवर्स में है, क्योंकि जिसको कंस्ट्रक्टिव काम करना है, रात को गलत काम होते हैं जनरली, अंधेरे का फायदा उठाने के लिए गलत लोगों को अंधेरे की जरूरत होती है, अच्छे लोगों को उजाले की जरूरत होती है, एज सिंपल एज इट इज। तो ये टाइम टेबल में भी तब्दीली लानी पड़ी तो हमको लाना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज बाहर तो अकाल पड़ा हुआ है। मैं देखा हूं, मैंने हॉस्टल की जिंदगी बहुत पास से देखी है, रूम्स की जिंदगी बहुत पास से देखी है, तो ये करना है तो ये आमूलाग्र परिवर्तन इन सब चीजों में हमको खुद को लाना पड़ेगा। ये लोग ला पाए अपनी अपनी जिंदगी में। नरेंद्र के जीवन में घटना हम सबको पता है, वो तो थे ही स्मार्ट थे, डोळे पाणीदार होते, तेज होतच होता, डोळ्यांमध्ये वेगळं सांगण्याची आवश्यकता नहीं, लेकिन वो जो टेक्निकल एक्सपर्टीज की बात मैं आपसे कर रहा था कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस का देहांत और तमाम गुरु बंधु और इनकी जिम्मेदारी अकेले नरेंद्र के ऊपर है, 1886 तक जो सिलसिला, सॉरी 1886 में स्वामी जी का जाना, 1890 तक ये 4-4.5 साल का जो अहम पीरियड है वो सेल्फ स्टडी का है, मेरी खुद की पढ़ाई, जितना हो सके ज्ञान को आत्मसात करे और अपने गुरु बंधुओं को साथ में लेकर चले। ये जो नॉलेज बेस मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए पूरा झोंक दिया है खुद को, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी के 1886 से लेके 1890 के सबसे अहम 4 साल है स्वामी जी के। इसके बाद प्रारंभ होता है फिर एक्शन। एक बार आप फिजिकली फिट हो, एक बार आपने जो टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है, जो बेस है वो आपने पा लिया, अब आपको छलांग लगानी पड़ती है दोस्तों जीवन में। अब अगर कोई उसी लेवल पे चल रहा है तो वो भी गुनाह कर रहा है। आमची कुठे ही शाखा नाही। अरे तुझा प्रोडक्ट विकला जातो ना राजा, मग तुला कोणी थांबवलं हल्दीराम होण्यापासून? नाही, पण आमची कुठेही शाखा नाही। यानी जिसको प्रोडक्ट खरीदना है वो इतने बड़े पुणे 45 किलोमीटर का रेडियस, अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो हमारी ही दुकान में आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आमची कुठेही शाखा नाही। इससे नुकसान किसका है? तेरा खुद का नुकसान है। तो एक बार तय कर लिया कि बेस मेरा पक्का है, टेक्निकल नॉलेज, अब यहां से छलांग, अब रुकना नहीं। अब छलांग लगाने की जब बारी आती है दोस्तों, तब जरूरी होता है पराक्रम, तब जरूरी होती है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता। शिवाजी महाराज की जीवन की एक घटना हल्की सी बताता हूं, वो काफी बाद में घटी है लेकिन आज यहां उसकी जरूरत ज्यादा है इसलिए बता रहा हूं। इस वाक्य ने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरा एटीट्यूड बदल दिया।
सकारात्मक क्या होती है, क्या होती है पॉजिटिविटी, क्या होती है? शिवाजी महाराज के पहले बेटे संभाजी राजे, दूसरा बेटा जब शिवाजी महाराज को हुआ, सोयराबाई साहब जब गर्भवती थी और दूसरा बेटा जब हुआ, तो मला थोड़ा सा मराठी चा आधार घ्यावा लागेल, आई डोंट नो हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ते पालथे निपजले, उलटे जन्माला आले, त्या काळामध्ये पालथे निपजणे यानी अपशकुन। अब ये बच्चा अपशकुनी है, इसकी चर्चा शुरू हुई, धाकटे राजे निपजले, पालथे निपजले, अपशकुन झाला, चर्चा शुरू हुई उलट पुलट। शिवाजी राजा तक ती कुजबूज त्यांच्यापर्यंत पोहोचली, एका क्षणात महाराजांनी विचार केला, आई डोंट नो वो कितने जीबी रॅम थे पता नहीं, तरुणाने ढूंढ के निकालना चाहिए, उनका प्रोसेसिंग स्पीड मुझे पता नहीं, लेकिन एका क्षणात महाराजांनी ओळखलं की आज मी छत्रपती, उद्या माझा मुलगा छत्रपती होणार, आज मैं लड़ाई पर जाऊंगा, कल मेरा बेटा लड़ाई पर जाएगा, लड़ाई जंग यानी वनडे इंटरनेशनल मैच, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, लेकिन कल अगर ये लड़ाई में हारता है तो सारा समाज, सारा स्वराज्य और सारी सेना इसके माथे ठीकरा फोड़ेगी कि ये अपशकुनी था, करके हम युद्ध में हारे हैं, मग स्वराज्य कैसे मनावे। एका क्षणात महाराजांनी हा विचार केला आणि तेवढ्यात ऑफिशियल बातमी आली, राजे धाकटे राजे निपजले, अपशकुन झाला, पालथे निपजले। आणि महाराजांचं जे वाक्य आहे बॉस त्याच्यावरच, मैंने कहा ना मेरी जिंदगी इस एक वाक्य ने बदल दी। आप में से कई लोग ऑलरेडी पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हो, आपकी आंखों से मैं पढ़ सकता हूं, लेकिन जो नहीं है, जो लगातार नकारात्मकता के शिकार है, नहीं मैं नहीं कर सकता सर, नहीं ये पेपर पास नहीं हो सकता सर, नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता सर, नहीं मेरे को मत देना सर, नहीं सर बाहर किसी को जाके दे दो, टिपिकल आपकी नागपुरी मानसिकता अनेकदा आपल्यामधून बाहेर येते। असं जर आपल्यापैकी कोणी असेल की जो नकारात्मकता का शिकार है, ये वाक्य उनके लिए भी दिशादर्शक हो सकता है। ऑफिशियल बातमी येते, महाराज धाकटे राजे निपजले, पालथे निपजले, अपशकुन झाला। शिवाजी राजांचं पुढचं वाक्य, अच्छा पालथे निपजले, अरे वा दिल्लीची पातशाही पालथी घालतील। एका वाक्यात समोरच्याच्या दृष्टिकोनामध्ये आमूलाग्र परिवर्तन, 180 degrees परिवर्तन करण्याची ताकद या शब्दांमध्ये। बॉस काय ऍटिट्यूड असेल त्या माणसाचा तुम्ही विचार करा। और अब ताकद है, अब कुछ कर गुजरने का मादा है, और अब पॉजिटिव एटीट्यूड भी है। अब नौबत आती है आक्रमणों की। मैंने आपसे कहा कि 650 साल में उत्तर में हड़कंप मचा हुआ है, 300 साल महाराष्ट्र में टक्कर सोपी नहीं होती, उत्तर भारत में लाहौर से लेके कोलकाता तक फैली हुई मुगलिया सल्तनत, और दक्षिण भारत में आदिल शाह, बेरिज शाह, निजाम शाह, कुतुब शाह, निजाम शाह तो लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन पश्चिम से आए हुए डच, फ्रेंच, पोर्चुगीज, ब्रिटिश, इन सबके साथ टक्कर थी। ये बच्चे आक्रमण करना शुरू करते हैं, आदिल शाही सल्तनत के जो किले जे बेवसाऊ पडले होते त्यांना पहिले कॅप्चर करायला सुरुवात, जो थाने ज्या बाजारपेठा रिकाम्या होत्या त्यांना लुटायला सुरुवात, आणि यांचा मुलुख हडपायला सुरुवात करणं। आदिलशाहीमध्ये भूकंपाचे झटके, और आदिलशाही की जो बड़ी बेगम साहिबा थी जिसका नाम था ताजुल मगध दिरात, उसको उलिया जनाबा ऐसे भी कहा जाता था, उसने अफजल खान नामक एक सरदार को शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए भेजना। अफजल खान की समूची ताकत 35,000, शिवाजी राजा की समूची ताकत 15,000। आप ताकत का फर्क देखिए, दुगने से ज्यादा फौज लेकर अफजल खान आक्रमण करने के लिए चल देता है। और ये केवल आंकड़ों का फर्क नहीं था, ये मानसिकता का भी फर्क है। एक तरफ एक अदना सा नौजवान जिसको ऐसी बड़ी सत्ताओं के साथ दो हाथ करने का अनुभव नहीं है, और दूसरी तरफ अफजल खान जो लगभग हर महीने में शिवाजी से दो कदम आगे चल रहा है, अनुभव तगड़ा है, उसकी खुद की शारीरिक ताकत जबरदस्त है। वो 6.5 feet tall, 6.5 feet लंबा, उसका वजन 175 kilograms, और ऐसा अफजल खान उसकी सारी ताकत साथ में लेके आदिल शाही का तब तक का स्वराज्य पर सबसे बड़ा आक्रमण, 3 साल तक ये आक्रमण चलता रहा तो भी हमारा खजाना खत्म नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा खजाना लेकर वो निकला है। 3 तरफ से स्वराज्य पर अटैक करने का प्लान है। अफजल खान स्वयं जबरदस्त कर्तृत्ववान है, तो शत्रु जरी असला तरी त्याची तारीफ करावी लागेल, अतिशय कर्तृत्ववान, बहुत कामयाब था, काबिल तो था ही था। कितने ही विजय उन्होंने सिंगल हैंडेड आदिलशाही को वहां पर दक्षिण में मिलवा कर दिए थे। श्रीलंका तक के राजे भी अफजल खां के नाम से थर्राते थे, ऐसी दहशत उस अफजल खां की थी। पढ़े जाला कर्तृत्व, उस कर्तृत्व को विनम्रता अगर नहीं है तो रावण बनते देर नहीं लगती। यह चिल्लर इलेक्शन जीतकर कोई कॉर्पोरेटर बन गया, अहम ब्रह्मास्मी, मारे सारखा पॉलिटिकल नेता कोणी असू शकत नाही। एक प्रमोशन और मैनेजर झाला, तिकडे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रिंसिपल बन गया, अहम ब्रह्मास्मि, मेरा जैसा लीडर कोई हो नहीं सकता। अहंकार सूटत नहीं लोकांचं। हमारे संतों ने क्या कहा, अहंकार से दूर रहे, इसको ना छूने दे, माझ्यात कोणताच अहंकार नाही, हा सुद्धा एक अहंकार।
इतना त्या अहंकारापासून दूर राहायला लागते. इतना घातक है वो अहंकार. वो शिवाजी महाराज में बिल्कुल नहीं था. अफजल खान तथा मूर्तिमंत फुगार, एपीजे अब्दुल कलाम नाम हमने सबने सुना है, कुछ लोगों ने देखा है. आकाश को स्पर्श करने वाली पर्सनैलिटी बॉस, अर्श को स्पर्श करने वाली, लेकिन कदम कभी फर्श से नहीं हिले, पाऊल कभी हटल नहीं था माणसाचं जमिनीवरून, इतका मातीशी जोडलेला एपीजे अब्दुल कलामांसारखा आदर्श आमच्या समोर आहे. अफजल खानाचं तसं नाही. अतिशय क्रूर, कपटी, गझा, कारस्थानी. ही हॅज किल्ड हिज 61 वाईफ्स. आपल्या 61 बायकांचा खून केलेला आहे. आज अगर आप बीजापुर जाते तो बीजापुर से 6.5 किलोमीटर पर अफजलपुर नाम का एक गांव है, आज भी है वहां, सुरंग बावड़ी नाम का एक कुआं है. उस कुएं में डुबोकर उसकी 63 में से 61 पत्नियों का उसने कत्ल करा. उन 61 पत्नियों की कब्र आज वहां बने हुए हैं, एक लाइन में 11 ऐसी वो कब्रें. आज उसको 60 कब्रा कहा जाता है. मेरे पास फोटोग्राफ है कब्रन जी. सगे पातक की कोणाचे आज भी है. कस्तूरी रंगन शिरेपट्टन का राजा उसको मिलने बुलाया, उसके पेट पे खंजर खोपकर दगाबाजी से उसकी हत्या करकर उसका सारा राजपाट अफजल खान ने छीन लिया था. शिवाजी राजा के बड़े बंधु, उनका नाम था संभाजी, उनका भी नाम संभाजी, जिजाऊ साहिबांचा पहला मुलगा. उसके बाद 4 बच्चे हुए जो पैदा होने के बाद ज्यादा दिन बचे नहीं, वो उनकी मृत्यु हो गई. शिवाजी महाराज 6वे, पहले संभाजी एंड शेवटचे शिवाजी. संभाजी राजा की मृत्यु अफजल खान की वजह से हुई थी. शिवाजी के पिताजी को आधी रात गिरफ्तार करके दुसऱ्या दिवशी धिंड काढण्यात आली त्यांची विजापुरातून. तो अफजल खान है, इसने आक्रमण करा शिवाजी पर. प्रेशर टेक्निक्स, तुळजा भवानी मंदिर ध्वस्त कर दिया गया, मूर्ती फोडी गई, पंढरपूर मंदिर ध्वस्त करण्यात आलं, नुकसान देण्यात आलं. शिवाजी राजांच्या थोरल्या राणीसाहेब सईबाई साहब का सगा भाई बजाजी नाईक निंबालकर, जो अफजल खान की फौज में है, उसको ही गिरफ्तार कर लिया. कि इस बजाजी नाईक निंबालकर को गिरफ्तार करके इसको हाथी के पैरों तले रौंद दिया जाए ताकि शिवाजी पर घर से प्रेशर आए. हर तरह की प्रेशर टेक्निक, क्योंकि अफजल खान को इतना ही पता था कि सामान्य माणसावर प्रेशर टाकलं की वो बिखर जाता है. एग्जाम का प्रेशर, परसेंटेज का प्रेशर, प्लेसमेंट्स का प्रेशर, पैकेज का प्रेशर, घर के प्रेशर्स, फाइनेंशियल कंडीशंस के प्रेशर, अगल बगल वालों के प्रेशर्स, दोस्तों के प्रेशर्स. यहां कोई है जो हाथ ऊपर करना चाहता है कि सर मेरी जिंदगी में मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, प्रेशर नहीं है? सबको अपने अपने, अच्छे लोगों को भी अपने अपने प्रेशर है कि मुझे मेरा काम आगे बढ़ाना है, बड़ा करना है. लेकिन इन प्रेशर के तले कई बार हम बिखर जाते हैं, हम दब जाते हैं. ये तमाम लोग यही हमको सिखाते कि प्रेशर्स के नीचे दबना नहीं है. प्रेशर अलग, वो प्रेशर हजम करके परफॉर्म करना पड़ता है. शिवाजी राजा को प्रेशर कम थे साहब, ये आयुष्य काय म्हणतो आपण त्याला, ही जोखीम होती आयुष्यातली की एवढं मोठं स्वराज्यावर आक्रमण आहे और शिवाजी राजा है दोस्तों, यानी समूचे लोगों की जिम्मेदारी इस पर होती है, उनके जीवन की जिम्मेदारी इस पर है, त्यांच्या मालमत्तेची जिम्मेदारी आहे. तो राजा किती प्रेशर मध्ये असेल. शिवाजी शांत है, अफजल खान आक्रमण करने के लिए चल दिया है. मैंने पहले कहा कि शिवाजी राजे विनम्र है, अफजल खान उग्र है. शिवाजी राजे, यू नो, हर संस्था की अपनी पंचलाइन होती है, वो पंचलाइन दिखाती है कि उस संस्था को क्या करना है. कुछ स्कूल्स की होती है, आपने पढ़ा है, तमसोमा ज्योतिर्गमय, हमें अंधेरे की ओर से उजाले की ओर जाना है. महाराष्ट्र पुलिस सदरक्षणा या खल निग्रहणा, रिलायंस कर लो दुनिया मुठ्ठी में. हर संस्था उनको वो दर्शाती कि उनको क्या करना है. शिवाजी महाराज की पंच लाइन है उनकी उनकी राज मुद्रा, जो दर्शाती है कि उसको क्या करना है, इस व्यक्ति को क्या करना. प्रतिपश चंद्र लेखैव वर्धिष्णुर विश्व वंदिता, शाह सुनो हो शिव सैषा मुद्रा भद्राय राजते. एवर ग्रोइंग इन स्प्लेंडर लाइक अ मून ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द ब्राइट ऑफ द मंथ एंड अडोर्ड बाय द यूनिवर्स, दिस सील ऑफ शिवाजी राजे द सन ऑफ शाहजी शाइन्स फॉर द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल. सामान्य जनता के कल्याण के लिए राजमुद्रा है. पा का जबरदस्त पंच लाइन, मुद्रा भद्राय राजते. अफजल खान की राजमुद्रा मिली है, उसकी भी पंचलाइन है, वो फारसी भाषा में है, उसका अहंकार दिखता है. गरार सुनात सिपाहर अल्लाह फजल फुजला व फजल अफजल, अजहर मुल्क की बजाय तस्बीहत आवाज आयत अफजल अफजल. म्हणजे काय, सामान्य माणसं म्हणजे यांनी जन्नतनी जर पृथ्वीला विचारलं, जन्नत याने स्वर्ग, अगर पृथ्वी से पूछता है कि तुम्हारी पृथ्वी पर सामान्य इंसान और अफजल खान इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो जन्नत को भी पृथ्वी से केवल एक आवाज सुनाई देगी, हमारी पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ कौन है, अफजल खान अफजल खान अफजल खान. इतना अहंकार भरा हुआ है, वो आक्रमण करने आया है.
सारी प्रेशर टेक्निक्स व्यर्थ हो गई क्योंकि शिवाजी राजा ने कोई काउंटर अटैक नहीं करा, निषेधाज्ञा पत्र सुद्धा लीला नहीं, और वकील भेजा जाता है अफजल खान की ओर से। शिवाजी पकड़ पाते हैं कि अब जो लड़ाई है वो अक्रॉस द टेबल होने वाली, अब रण मैदान पर लड़ाई नहीं होगी, अब ये मानस शास्त्री साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की शुरुआत है। और जैसे चाणक्य ने कहा था कि अगर आपके पास ताकत है तो प्रकाश युद्ध आमने सामने की लड़ाई करे, ताकत नहीं है तो कूटनीतिक युद्ध गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक का इस्तेमाल आपने करना चाहिए। शिवाजी का वही करता है कि मैं आपसे लड़ नहीं सकता, आप मुझे चचा जान समान है, आपकी ताकत तूफानी, आपका अनुभव जबरदस्त है, मैं तो बच्चा हूं, मैं आपका गुनहगार हूं, मैंने आपके किले लूटे, मैंने आपका मुल्क बर्बाद किया है, मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं तो आप मेरा कत्लेआम कर देंगे, मुझे खान साहब से डर लगता है, खान साहब दरियादिली दिखाए और मुझे जावलिया कर गिरफ्तार कर ले, क्योंकि खान साहब मुझे वाई में बुला रहे हैं, वाई में उनके सामने आने की मुझमें हिम्मत नहीं है। शिवाजी महाराज अपने वकीलांमार्फत त्यांना कळवताता है, त्याला पटवताता है, और अफजल खां को जावली उतरना पड़ा, और यहां बैठे जिस जिसको पता है कि जावली क्या है उसको सारा में आ जाए। पुणे से 106 किलोमीटर पर महाबलेश्वर और वहां से केवल 12 किलोमीटर पर शिवाजी राजा ने खुद बनवाया हुआ एक जबरदस्त किला खड़ा है, किले प्रतापगढ़। चारों ओर से जावली के घने जंगलों से घिरा हुआ, सह्याद्री के ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ एक ऐसा इलाका जो किसी भी एंगल से युद्ध भूमि नहीं है, बैटल फील्ड नहीं है, वहां अफजल खान को उतारा जाता है। मुलाकात का दिन तय होता है मार्गशीर्ष शुद्ध सप्तमी गुरुवार 10th of November 1659 दोपहर के पश्चात, यानी लगभग ये समय था, लगभग इसी समय अफजल खान और शिवाजी की मुलाकात तय थी। दोनों अकेले में एक दूसरे से मिलने वाले थे, दोनों का एक एक वकील साथ में रहेगा, 10-10 सिक्योरिटी गार्ड तंबू के बाहर खड़े रहेंगे, बाकी सारी सेनाएं आपने पीछे छोड़कर आना है, दोनों सशस्त्र है, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस तय थी। अफजल खान मिलने के लिए पहुंच चुका है, शिवाजी राजा मिलने आते हैं, तंबू के अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन इससे पहले उन्होंने अपनी पूरी हिफाजत कर ली है, बुलेट प्रूफ जैकेट उस समय का कवच अतुन घातले, ऊपर से उनके हमेशा के कपड़े परिधान करे हैं, हेलमेट अपने नागपूरच्या मामापासून लपवण्यासाठी ते 400 रुपयाचं कचकं हेल्मेट नाही म्हणत आहे, हातोडा मारलं तरी तुटायचं ते नाही, हेल्मेट पुलिस के लिए नहीं होता साहब, हेल्मेट हमारे लिए है, अदरवाइज यू विल मीट हेल। प्रॉपर हेलमेट जो मेटल का था कि अफजल खान भी बैठ जाए तो कुछ नहीं होगा, वो उसके ऊपर अपना मंदिल हमेशा का बांधा हुआ, बाएं हाथ में दो अंगूठिया तर्जनी आणि करंगळीत अंगठ्या घातलेले आहेत, ऊपर से दिखने के लिए अंगूठिया है, अंदर मेकेनिकल इंजीनियरिंग का चमत्कार, 4 इंच का लोहे का प्लेट लगा हुआ है, उस प्लेट पर 4 लोहे के नाखून, शेर के नाखून की तरह लोहे के बने हुए नाखून है, ऊपर से दिखे तो अंगूठिया, अंदर से लोहे के नाखून, 3 इंचाचं लहान से शस्त्र वाघनख आपण मराठीत म्हणतो वो छुपाकर रखे है, आस्तीन में खंजर है, तलवार रखी हुई है, और इतनी सारी मशक्कत के बाद शिवाजी मिलने आते हैं। अफजल खान ओवर कॉन्फिडेंट, सिवा तो बच्चा है वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, उसको तो मैं मसल कर रख दूंगा। अंदर से कोई कवच नहीं पहना, सादे कपड़े परिधान करके आया, लेकिन कमर में जो दुपट्टा बांधा था उस दुपट्टे में खंजर छुपाए रखा है, और उसकी जो तलवार थी जिसका नाम था जमदाड़, यानी यमदाड़, यमाचा दाड़े सरकी दुधारी अस्ते थी, छोटी अस्ते, वो अपने सिक्योरिटी अपने वकील के पास उसके हाथ में देकर रखी है। और शिवाजी मिलने के लिए अंदर प्रवेश करते, अफजल खान उठकर खड़ा होता है, अफजल का 6.5, शिवाजी वॉज मेयर 5.6, छाती पर्यंत होते त्याच्या। अफजल खान ने दोनों हाथ फेरे, बोले आओ सिवा हमें गले लगाओ। शिवाजी अतिशय सावधपणे त्याच्या जवळ आले, वो आलिंगन हुआ, 3 बार आलिंगन देने की पद्धतियां उस समय भी थी, दूसरी बार आलिंगन देने के लिए शिवाजी जब बाई और मुड़े होंगे, कुछ समझने से पहले ही अफजल खान ने अपना बाया हाथ घुमाते हुए शिवाजी राजा का मस्तक अपनी बाई बगल में दबोच लिया। कुछ करना शिवाजी राजा के लिए संभव नहीं था, क्योंकि महिषासुर की ताकत अफजल खान में विद्यमान थी। अगले क्षण अफजल खान ने अपना खंजर बाहर निकाला आणि खच कने का घात शिवाजी राजांच्या डाव्या बगलेत केला, की बस अब ये सिवा खत्म, इसके सारे किले मेरे, ये सारा मुल्क मेरा, अब मैं बीजापुर जाऊंगा, मेरी सरफराजी, मेरी जय जयकार, मैं अफजल खान, बुलंद मकाम, फरजंद मोहम्मद आदिल शाह, अफजल खान, अफजल खान, अफजल खान। ये ऐसे सपने देख ही रहा था शायद, लेकिन तभी उसको जहन आया कि कुछ हुआ ही नहीं, वो खंजर केवल खरखराया, वो कारीगर नहीं हुआ, उसको अंदेशा हुआ कि सिवा ने अंदर से कुछ पहना है, उसने दूसरा आघात करने के लिए खंजर निकाला होगा, लेकिन ये बार अगर करता दोस्तों तो वो शिवाजी राजा के गले पर करता, क्योंकि इतना ही हिस्सा उस समय खुला था, लेकिन उसको दूसरा वार करने की अनुमति देने के लिए शिवाजी मूर्ख न थे। आपको क्या लग रहा है शिवाजी उसके पेटा से पोटल लपते हा इकड़ून इकड़ून गलून पाते आज जाते हैं, मैं आपको बताने के लिए शायद 1-2 मिनट ले रहा हूं, लेकिन ये सारा वाक्या 2-4 सेकंड्स में घटा होगा, विद्युत वेगाने सगळं घडलं असावं।
इकड़े अफजल खान आणि शिवाजी राजांचं मस्तक दाबायला तभी शिवाजी राजाने अपना बाया हाथ बाहर निकालना. हो सकता है शिवाजी राजा का आघात और अफजल खान का वार ये दोनों एक समय भी हुए हो. आई डोंट नो, सीसीटीवी फुटेज है नहीं अपने पास जिसने पहला वार करा. आजकल लोगों को झगड़े के लिए वही काफी है. नहीं नहीं पहला वार याचा नहीं पहला त्याचा नहीं. एंड रिजल्ट पहा ना बाबा. नहीं विराट कोहली ने रिवर्स स्वीप मार के मैच जीता है. यू नो रिवर्स स्पीच रिवर्स स्वीप ये क्रिकेट को ऑफिशियल शॉट नहीं है. हम इस विजय को नहीं मानते. मैच जीता देना यार डजंट मैटर. वो क्रिकेट का टेक्निकल शॉट था कि रिवर्स स्वीप था. अफजल खान मेला हे महत्वाचं भांडण नाही. ज्या दिवशी ती फुटेज सापडेल आपल्याला सीसीटीव्ही त्या दिवशी ठरव कोणी पहिला आघात केला ते. आज नाही आपल्याकडे ती. लेकिन इधर अफजल खान ने शिवाजी का मस्तक दमोचना उसी समय शिवाजी राजा ने बाहर निकालना. वाघ नख घातलेली होती. एक जबरदस्त आघात शिवाजी उसकी पेट में करता है. नाखून नख पोटात खुपसल्या बरोबर अफजल खान की पकड़ अचानक ढीली होती है और अगले क्षण शिवाजी अपनी तलवार निकालकर एक जबरदस्त आघात उसकी पेट में ऐसा करते हैं कि उसका पेट कटता है. उसकी अंतड़िया तलवार के साथ बाहर आती है. दुधार तलवार स्थिति हिल्ट पर्यंत जाते आणि बाहेर येताना आतडी खिचून येते. शिवाजी राजांनी जबरदस्त आघात केला. कविंद्र परमानंदांनी लिहून ठेवलंय शिव हा कृपाणिका ग्रेण कृपाणी आणि तलवार. शिव हा कृपाणिका ग्रेण कुक्षा वेव तमस्पृशत आकृष्टांतराणी सर्वाणी सा कृपाणी विनिर्गत. ऐसे कविंद्र परमानंद इस घटना का वर्णन किया था दोस्तों. लेकिन सारा भारत सारे सुल्तान तमाम फिरंगी आलम भारतीय जनता आश्वस्त थी कि अफजल खान के इस आक्रमण में सीवा और उसके स्वराज्य का सुपड़ा साफ हो जाएगा. लेकिन इतिहास करवट लेता है और 17वीं शताब्दी के हिरण्याक्ष का वध उसी शताब्दी के नरसिंह द्वारा प्रतापगढ़ की दहलीज पर अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ कर होता है और समूचे भारत में हड़कंप मचता है. समूचे भारत में हड़कंप मचता है क्योंकि अफजल खान ये क्या चीज है. ये सामान्य मराठा सैनिक से लेकर जिजाऊ माता तक सबको पता था. ऐसे जबरदस्त अफजल खान का वध 29 साल का एक लड़का 29 इयर्स ऑफ एज एक आघात में कर दिखाता है. ये घटना अपने आप में इतनी जबरदस्त थी दोस्तों कि महाबलेश्वर के पास घटे इस भूकंप के झटके दिल्ली तक महसूस किए होंगे. औरंगजेब हादरला इतनी जबरदस्त घटना होती. याला म्हणतात पराक्रम. जेव्हा तयारी पूर्ण असते तेव्हा झेप घेण्याची ही वेळ असते. आणि ते तिथे नरेंद्रच्या आयुष्यामध्ये होत आहे की आता तयारी पूर्ण झालेली आहे. अभ्यास पढाई पूरी हो चुकी है. सेल्फ स्टडी हो चुकी है. अब समय आया है कि पहले मैं मेरा भारत देखू. हमारे इतिहास में इस चीज को बहुत ज्यादा परसेंटेज दिया गया है महत्व दिया गया है. आई एम सॉरी परसेंटेज गलत शब्द में. बहुत ज्यादा महत्व दिया है कि आपको अगर भारत को समझना है तो देशाटन करावे लगे. सारा देश घूम करो परिस्थितियां जान करो. और इसलिए आप देखोगे कि जो जो बड़े लोग भारत में हुए हैं उनमें से कई लोगों ने ये करा है. विवेकानंद का वैशिष्ट्य ये है. मैं ये नहीं कह रहा हूं विवेकानंद ने जो वेदांत का अभ्यास किया होगा जो वेदों का अभ्यास किया होगा जो तमाम लिटरेचर का अभ्यास किया होगा वो एक तरफ. हो सकता है उससे तगड़ा अभ्यास उस समय भी और हो सकता है आज भी लोगों का हो. हो सकता है विवेकानंद जिस आवेश और जिस 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 ज्ञान के बूते ये सारी चीजें लोगों के समक्ष रखते थे उससे ताकतवर लोग उस समय या हो सकता है आज भी हो. लेकिन फिर विवेकानंद जी का महत्व क्या है. इन तमाम अभ्यासों के अलावा विवेकानंद जी का एक सबसे अहम अगर कोई महत्व है इसके साथ साथ उन्होंने किया हुआ इतिहास का अभ्यास. और यही वो चीज है जो उनको बाकी तमाम लोगों से हटकर आगे बढ़ाती है. क्योंकि जो केवल इन चीजों का अभ्यास करता है वो इन चीजों को लोगों के सामने रख सकता है उससे ज्यादा नहीं. जो इतिहास का अभ्यास करता है उसको एक चीज जहन में आती है. क्योंकि किसी ने कहा है शायद चर्चिल का ही मैक्सिम है कि आप जितना दूर तक इतिहास में देख पाओगे उतना ही दूर आप भविष्य की ओर भी देख सकते हो. ये चर्चिल ने कहा हुआ है. आप इतिहास जर जितना आत्मदे पाऊ सकू तो वी कुड अंडरस्टैंड कि कितनी गलतियां हमने करी है हमें वो भविष्य में नहीं करनी. विवेकानंद जी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन जो मुझे लगता है वो यही है कि इतिहास की उनकी इतनी तगड़ी अभ्यास उनका था कि ही कुड अंडरस्टैंड कि भारत की जो अधोगति हुई है एक सामर्थ्यशाली भारत से आज जो हम उस सांस्कृतिक चक्र में सबसे नीचे बिंदु तक आए हैं वो केवल इसीलिए आए हैं कि हमने ये सेट ऑफ गलतियां करी है. वो अगर हमें दोहरानी नहीं है तो इन विचार तो थे ही बहुत. विचार तो हजारों साल से हमारे पास वो विचार है लेकिन उन विचारों को सामान्य जनता के पास सामान्य शब्दों में पहुंचाने की कोई टेक्निक ही नहीं. और इसलिए विवेकानंद उस देशाटन के दौरान ये तय करते हैं कि ये तमाम ज्ञान जो मैंने शायद उन किताबों से या रामकृष्ण परमहंस जी से मैंने पाया है
ये ज्ञान सामान्य भाषा में कोई बच्चा भी समझ पाए इतनी सरलता से मुझे उन तक पहुंचाना है। उस मिशन की शुरुआत कहीं ना कहीं उस तीर्थाटन उस देशाटन में है, और देशाटन भारत पाहायचा म्हणजे काय, पहिले गोव्याला जाऊन येतो, मग कुल्लू मनाली शिमला, हे देशाटन नाही, इथल्या समाजाची नाडी वो नब्ज अगर पहचाननी है, नाडी हिंदी में नहीं मराठीतली नाडी म्हणतात, ती नब्ज जर ओळखायची असेल समाजाची तर मग त्या नरनारायणाचा अभ्यास करत करत देशाटन आहे। त्याचे काही सेट ऑफ प्रिन्सिपल्स आहे, देशाटन म्हणजे ट्रिप नाही। वहां उस समय विवेकानंद जी ने लिखे हुए पत्र मिले हैं, हर समय विवेकानंद जी का बेस्ट पार्ट मुझे जो लगता है जो शिवाजी का नहीं अनफॉर्चुनेटली, और ऑब्वियसली शिवाजी जिस समय पैदा हुए थे तो काळच इतका धामधूमीचा होता कि शिवाजी राजे इतने लेटर्स नहीं लिख पाए, लिखे भी होंगे तो आज उपलब्ध नहीं है कारण इंद्रजांनी तो सगळा दफ्तरखाना जाळून टाकला। विवेकानंद ने लिखे हुए हर उनके जीवनी के हर एज ग्रुप के दौरान लिखे हुए पत्र आज फॉर्चुनेटली उपलब्ध है, और वो अच्छी तरीके से संग्रहित भी है। तो वो जब छोटे थे तब क्या हुआ था लिख कर रखा है, वो जब बैलगाड़ी में सोकर जा रहे थे और ऊपर पहाड़ी दिख रही थी तो मधमाशांचं पोळं दिसलं आणि पहिल्यांदा साक्षात्कार झाला ते सुद्धा लिहून ठेवलेलं। वो जब कॉलेज में थे तो मन में कौन सा युद्ध चल रहा था उसके भी वर्णन लिखे हुए। मैं जब आंखें बंद करता हूं तो दो आंखों के बीच में ज्योति दिखाई देती है, अहंकार नहीं कि देखो बचपन से मेडिटेशन आता है सर्टिफिकेट है, ऐसे नहीं। मैं आंखें बंद सब अनुभव के तौर पर लिख कर रखा है, मैं जब आंखें बंद करता हूं तो एक ज्योति फड़कती दिखाई देती है। बचपन से ही मेडिटेशन एकाग्रता मेधावी बुद्धि जबरदस्त बुद्धिमत्ता, इसके तो कई सारे उदाहरण है, आपने सब ज्ञानी लोगों से सुने भी होंगे कि एक बार कोई किताब पढ़ ले तो जैसे रोबर्ट में वो रजनीकांत क्या नाम था उसको, वैसे स्कैन कर ले फिर बाद में किसका नंबर और किसका टेलीफोन नंबर बताना है बताइए, चिक्की क्या चिट्ठी, तो वो तो मशीन थी लेकिन इंसानी दिमाग भी ये कर सकता है। इसका इससे जबरदस्त उदाहरण कोई हो नहीं सकता कि एक बार किताब पढ़े, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका उनके पास हुआ करते थे, एक शिष्य बोला ये पढ़ते पढ़ते तो सारी जिंदगी बीत जाए लेकिन खत्म ना हो, तो स्वामी जी कहते मेरे 10 पढ़ के हो चुके हैं, जो पूछना है पूछ लो। और वो भी भाऊ साहब एकदम खोल कर, हाँ ये पेज पर वो क्या बताइए, और विवेकानंद तमाम चीजों के जवाब दे रहे हैं। ऐसी जबरदस्त मेधा वो उनके पास थी लेकिन उसका यूटिलाइजेशन जो करा वो नरनारायण समाज के लिए उन्होंने सारी जिंदगी किया। वो जो तीर्थाटन वो देशाटन जो त्यांनी केलं, उन्होंने उनका जो स्प्रेड था वो खोल, विवेकानंद जो किया हुआ देशाटन है वो तिब्बत से शुरू हुआ, तिबेट पासून सुरू केला, देन वी ऑल नो की कन्याकुमारी में वो खत्म होता है, फिर 3 दिन वहां पर की हुई साधना और फिर आगे का पथ निश्चित होता है कि मुझे क्या करना है। तो ये बड़ा मोठ्या कामाची सुरुवात त्याची ही इनिशियल बीज जी रोवल्या गेली ती इथं रोवल्या गेली। और जो पराक्रम मैंने अभी शिवाजी राजा का आपके सामने रखा कि शिवाजी म्हटलं की सगळ्यात पहिले आठवतो तो अफजल खान एपिसोड, वैसे विवेकानंद जी का नाम लेतो तो सबसे पहले याद आता है शिकागो। काही काही लोकांची घटना जोडूनच गेलेल्या, नाव घेतलं की तीच घटना सगळ्यात पहिले स्ट्राईक होते, और तब शिकागो में वो ऐतिहासिक विश्व धर्म सम्मेलन, कोलंबस जब वापस पहुंचा था उसके वापस पहुंचने के 400 साल उस समय पूरे होने वाले थे, उसके उपलक्ष्य में ये तमाम चीजें होने वाली थी। धर्म संसद केवल उसका एक हिस्सा था, लगभग 20-22 विषय जिसमें इकोनॉमी जिसमें टेक्नोलॉजी जिसमें इतिहास, ऐसे अलग अलग विषयों पर 21-22 परिचर्चा यानी कॉन्फ्रेंसेस होने वाली थी। उसमें धर्म रिलीजन पहले इंक्लूडेड नहीं था क्योंकि अमेरिका में सबका विरोध था कि क्रिश्चियनिटी इज द बेस्ट, हम तो ये मानते हैं ना, तो अगर क्रिश्चियनिटी बेस्ट है तो आप क्यों बाकी धर्मों को चांस दे रहे हो कि यहां आकर बतियाओ, वी आर द बेस्ट, ऐसी मान्यताएं थी। लेकिन वहां एक बंदा था जिसने अपनी ताकत से उनको फोर्स करा कि नहीं हमने ये विषय रखना चाहिए, उसने सारी ताकत झोंक दी, हजारों पत्र लिखे, छोटी छोटी कमिटी स्थापन करी, और उसके बूते विश्व धर्म सम्मेलन में यानी विश्व धर्म सम्मेलन की नींव रखी गई। 10 प्रमुख धर्मों के धर्माचार्य और उनकी कमिटीज टीम्स हर देशों से वहां पर आई हुई थी, सैकड़ों लोग वहां बैठे थे, और विवेकानंद जी ने उस तमाम चीजों का भी अपने पत्रों में जिक्र किया है। ऑब्वियसली वहां पहुंचने का रास्ता भी सुलभ नहीं था, पहले तो भारत की तरफ से विवेकानंद न जाए ऐसे प्रयास भी बहुत सारे लोगों ने करे, लेकिन समहो विवेकानंद का वहां पहुंचना जाते हुए एक ऐतिहासिक घटना घटती है दोस्तों, जो हमारे आज के वर्तमान के लिए बहुत जरूरी है। आपको बताना कि विवेकानंद जब निकले तो वो जापान होते हुए अमेरिका गए,
जापान में रुके, जापान की प्रगति देखी, वहां से भी उन्होंने लिखा है कि ऐसा भारत मुझे बनाना है जैसे जापान बन रहा है। और उसके बाद में उस शिप पर, डेक पर उनकी मुलाकात होती है जमशेद जी टाटा से, और वहां डिस्कशन में ऐसे तय होता है सॉइल टेस्टिंग, कि सॉइल टेस्टिंग जैसी छोटी सी चीज के लिए हमको जर्मनी, जर्मन जैसे देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, इतनी छोटी टेक्नोलॉजी हम भारत में क्यों नहीं विकसित कर सकते। और ऐसी सारी चर्चाओं में विषय आगे बढ़ते बढ़ते इस विषय पर रुकता है, क्यों ना भारत में ऐसा आधुनिक इंस्टीट्यूट बनाया जाए जिसमें तमाम चीजें आए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस की नींव इस डिस्कशन में रखी गई दोस्तों। आज जो बैंगलोर में शान से खड़ा हुआ है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बैंगलोर, उसकी नींव इस डिस्कशन में रखी गई। और बाद में इतिहास गवाह कि जब IISc की नींव सही में रखी गई और फिजिकली IISc खड़ा रहा तो जमशेद जी की इच्छा थी कि विवेकानंद जी ने उसका पहला डायरेक्टर बनना चाहिए। विवेकानंद जी ने उसको बड़ी विनम्रता से रिजेक्ट करा क्योंकि इनका लाइफ मिशन कुछ और था, वो वहां नहीं अटक सकते थे उस चीज में। लेकिन जब जगह कम पड़ी IISc के लिए, जब जगह कम पड़ रही थी बैंगलोर की, तब विवेकानंद जमशेद जी को कहते हैं कि आप मैसूर राजा वाड़ियार के पास जाए और वाड़ियार जी से बात करें। इस रेफरेंस के साथ जब टाटा गए वहां पर, वाड़ियार जी से बात करी, यू वोंट बिलीव, वाड़ियार जी ने केवल एक डिस्कशन पर 750 एकर्स लैंड बैंगलोर में IISc को दिया, 750 एकड़ एक झटके में, केवल विवेकानंद जी का रेफरेंस। ये ताकत, ये विश्वास उन चर्चाओं की नींव थी। लेकिन फिर अमेरिका में पहुंचना बहुत खराब परिस्थिति है, सामान चोरी हो गया, रेलवे में कोई लोग बैठे थे, बोले आप तो सन्यासी दिखते हो, बोले हाँ हूं, तो सन्यासी यानी सारी चीजें परित्यक्त करने वाला जिसको कोई लोभ नहीं है, बोले हाँ कोई लोभ नहीं होता है, तो ये जेब में वॉलेट क्यों रखे हो, उसका भी त्याग तो निकाल कर उसी को दे दिया, पैसे भी गए, ये क्या कहता है उसको, पासपोर्ट भी गया उस समय का, जो भी होगा सारी चीजें उसी समय चली गई। आप सोचिए अमेरिका जैसे देश में जेब में पैसे नहीं है, एक रात तो उन्होंने कार्टन जो होता है खरड़े का बॉक्स, कार्टन में घुसकर एक रात अमेरिका की ठठुरती हुई ठंड में रास्ते पर निकाली बॉस। और तभी उस महिला ने उनको देखना, उनको इन्वाइट करना, उनको ढंग के कपड़े, गर्म कपड़े देना, खाना खिलाना और पुत्रवत प्रेम करना। रेलवे में कई बार चर्चा करते समय लोगों को समझ में आता था कि ये इंसान मेधावी है, उनकी मेधा से इंप्रेस होकर लोगों ने उनको वहां पर सहारा दिया, कई बार सारे रेफरेंसेस लगे और धीरे धीरे अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए विवेकानंद वहां पहुंचे हैं। विश्व धर्म सम्मेलन और विवेकानंद जी का स्टेज पर आने का समय हो रहा है, विवेकानंद जी टाल रहे हैं, एक बार कहा नहीं अभी नहीं बाद में बोलता हम नहीं, हम जब पहली बार जाते हैं इस तरह की कॉन्फ्रेंस, अभी नहीं बाद में। सामान्य माणसाच्या आयुष्यात जशा घटना होतात ना तशाच घटना आहेत यार। हमारे भारत में एक गलती जो हम बार बार करते हैं दोस्तों, ऐसे टैलेंटेड लोग जब जब पैदा हुए भारत में हम लोगों ने उनको स्टैंप लगा दिया गॉड गिफ्ट। सचिन तेंदुलकर की बैटिंग आई लव गॉड गिफ्ट है, विराट कोहली की कैप्टनशिप गॉड गिफ्ट, लता मंगेशकर की आवाज गॉड गिफ्ट, APJ अब्दुल कलाम का साइंस एंड टेक्नोलॉजी गॉड गिफ्ट। कौन सा गॉड गिफ्ट है सर? तेंदुलकर आंटी जब डिलीवरी के लिए गई होंगी तो कौन से सिद्धि विनायक गणपति खड़े थे और व्हाइट लाइट निकली, ऐसी सफेद रोशनी गई और तेंदुलकर आंटी के पेट पर गिरी और सचिन अब ये क्रिकेटर बनेगा। कोलकाता में तेजी बच्चन जब एडमिट थी तो कौन सी काली माता खड़ी थी, सफेद लाइट निकला और वो तेजी बच्चन के पेट पर गिरा, अमिताभ सदी का महानायक पैदा हो रहा है। कौन सा गॉड गिफ्ट है साहब? सचिन तेंदुलकर ने 3.5 साल रोज 18-18 घंटे जो बैटिंग प्रैक्टिस करके अपनी जगह अपनी टीम में जमाई, वो जिसको दिखता नहीं है वो गॉड गिफ्ट कहता। अमिताभ बच्चन की लगातार 7 फिल्में पटकी गई नीचे, बुरी तरह से पटकी गई, रेशमा और शेरा, 7 हिंदुस्तानी एंड वॉट नॉट। 7 फिल्में पटकने के बाद जो कहता मैं कोलकाता वापस जाकर टैक्सी चलाऊंगा, उसकी दोस्त है जिसका नाम था जया भादुड़ी, वो कहती तू वापस मत जा, यू हैव टैलेंट, वेट एंड वॉच। तब जाकर जंजीर नाम की फिल्म आती है और इतिहास सुपर डुपर हिट, और उसके बाद 17 फिल्में ब्लॉकबस्टर हिट होती है, उसके पहले 7 फिल्में घुसी पूरी तरह से। कौन सा गॉड गिफ्ट है? अपयशी लोगों ने जो खुद सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वो लोग जब सामने वाले का सक्सेस हजम नहीं कर पाते तब उसके सक्सेस को इन लोगों ने दिया हुआ नाम यानी गॉड गिफ्ट। सचिन को तो गॉड गिफ्ट था करके वो पहुंचा, मेरे को भी अगर होता तो मैं भी इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलता। यस, कोई भाषण में आकर बताता है कि विवेकानंद की माता को बोले जब विवेकानंद पैदा होने वाले थे तो उसके पहली रात सपने में ऐरावत दिखे,
हु इज ऐरावत? इंद्र कहाती, सफेद रंग का 8 सूंड होती है, किसी ने भाषण में ठोक दिया, हम घर जाके पूछते हैं आई तुला माहिती आहे का विवेकानंदांच्या जन्माच्या दिवशी तिच्या आईला ऐरावत दिसला झोपेत म्हणून ते जन्माला आले, तुला काय दिसलं? ऐरावत दिखा नाही? अच्छा ऐटलीस्ट एक सूंड का सामान्य हाथी खाना नहीं? अच्छा नहीं दिखा तो फिर मेरी जिंदगी बाहर कट्टे पे खड़े होकर मामा की टपरी पे बैठ के आने जाने वाली लड़कियों की तरफ अश्लील टॉन्ट्स देने के लिए मेरी जिंदगी बनी है? हम ये सोचकर सामान्य जिंदगी बिताते कि तू भी बैठ मैं भी बैठता, दोनों मिलकर नागपुर का राष्ट्रीय खाद्य खर्रा खाएंगे और फिर ये सारे भ्रष्ट राजकारणी ने देशा का सत्यानाश करून टाकला, ऐसे गप्पे मारते मारते जिंदगी खत्म कर दी। हमारी जिंदगी इसके लिए नहीं है साहब। याच्यापेक्षा कितीतरी मोठा, याच्यापेक्षा कितीतरी उदात्त हेतू आपल्याला आतून धक्के मारतोय, उन अंडर करंट्स को पहचाने। हमारी जिंदगी इन सब चिल्लर चीजों के लिए नहीं है, वो तो संस्कृति के प्रवाह में हम भूल गए। और आज अनफॉर्चुनेटली हमारी कॉलेज की लड़कियां हमारे ही कॉलेज में सुरक्षित खुद को महसूस नहीं कर सकती, जब खुद को पुरुष कहने वाले और मूछें रखने वाले लड़के उस कॉलेज में होने के बावजूद अगर हमारी कॉलेज की लड़की खुद को सेफ नहीं महसूस कर रही है तो उस पुरुषार्थ का क्या फायदा? पुरुषार्थ मिशन मध्ये आणि मनगटांमध्ये असतो मित्रांनो, नेहमी लक्षात ठेवा। हे शिकवणारी ही सगळी माणसं आहेत और आणि म्हणूनच ते सामान्यच आहेत, वो भगवान नहीं है। हम जो बड़ा इंसान दिखता उसको शिवाजी भगवान, बाबासाहेब आंबेडकर भगवान, विवेकानंद भगवान। बस मॅथमॅटिक्स सांभाळून घे, तुला 2 लिटर दूध चढ याच्यासाठी आहेत का ते? माझी देवावर श्रद्धा आहे, मैं भगवान पर श्रद्धा रखने वाला हूं, मैं नास्तिक नहीं, मैं आस्तिक हूं, लेकिन मैं ये बखूबी मानता हूं कि पराक्रम हमको करना पड़ता है। श्रद्धा भगवान पर होनी चाहिए, अगर श्रद्धा नहीं रही कि किसी चीज पर तो हो सकता है इंसान का पराक्रम उसको हो सकता है, हो सकता है कि रावण की तरफ ले जाए। अफजल खां का वही हुआ कि मैं पराक्रमी, इसलिए उसका पराक्रम कब जाकर राक्षसी वृत्ति में परावर्तित हुआ वो पहचान नहीं पाया। आणि सामर्थ्य आहे चळवळीचे, जो जो करील त्याचे परित्यास अधिष्ठान भगवंताच। सामर्थ्य चळवळीचे, जो जो करेल त्याच्यात आहे, त्याला यश निश्चित आहे, पण अधिष्ठान उसका बेस भगवान होणाचे। शिवाजी राजे म्हणायचे हे स्वराज्य व्हावी ही तो श्रींची इच्छा, तुळजा भवानी समोर नतमस्तक व्हायचे म्हण, लेकिन लढाई या तुळजा भवानी ने हात में तलवार लेकर नहीं लड़ी, लड़ाई शिवाजी राजा को खुद लड़नी पड़ी है। इसलिए गॉड गिफ्ट के चंगुल से खुद को बाहर निकाले और ये सब सामान्य लोग थे, इन्होंने अपने जैसे इतर सामान्य लोगों को इकट्ठा जोड़कर उनसे जो असामान्य कर्तृत्व बाहर निकाला, ऑर्डिनरी पीपल केम टुगेदर टू डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये हमें सीखना चाहिए। और हमेशा इतिहास जो दर्ज करवाया है वो सामान्य लोगों ने ही करवाया, हम तो राम को भी भगवान बना चुके हैं। अयोध्या कांड से लेकर युद्ध कांड तक जो राम जी खुद को सामान्य इंसान कहते हैं, आत्मानम मानुषम मनने रामम दशरथात्मजः, वो खुद को इंसान कह रहे हैं, हमने उनको भगवान बना दिया। अच्छा राम जी भगवान होते तो युद्ध लड़ने की क्या जरूरत थी? रामेश्वरम में खड़े होकर एक तीर निकालते या बाहुबली जैसे 3 तीर निकालकर सबसे छोड़ते, मणिबंधम बहिर्मुखम करके सटाक से 3 बाण मारते, तीनों बाण 3 दिशाओं में जाकर मेघनाथ कुंभकर्ण रावण को उड़ाकर लंका खाक कर उसी 3 बाणों पर बैठकर सीता माता वापस आती, क्योंकि भगवान यानी सुपरमैन, हमको इतना ही समझ में आता बात। ये नहीं हुआ है साहब, क्योंकि वो सामान्य इंसान थे, सामान्य मानवी थे, इसलिए किष्किंधा के सामान्य लोगों को साथ में लेकर, सुग्रीव की तमाम सेना लेकर, जो अस्त्र शस्त्र उनके पास होंगे वही अस्त्र शस्त्र लेकर, सेतु ऐसे आशीर्वाद सफेद लाइट निकला और वो बना नहीं, पत्थर पर श्रीराम लिखा और पत्थर तैरने लगे नहीं, वाल्मीकि रामायण में आपके और मेरे सौभाग्य से इतना रोचक रंजक एनिमेटेड वर्णन नहीं है। वाल्मीकि रामायण में सटीक वर्णन है कि झाडांच्या साली ओढबाडण्यात आल्या, त्या साली वळून त्याच्या दोऱ्या बनवण्यात आल्या, उन रस्सियों से डिस्टन्स नापा गया, फिर कुछ वृक्षों की लिस्ट है जिनके लकड़ियों को छील करके उसके तराफे, त्याचे तराफे बनवण्यात आले, उस पर पत्थर प्रस्तर खंड रखकर उसका सेतु बनवाया गया, इंजिनियरिंग के सुसज्ज यानी सुसंगठित तरीके से इंजीनियरिंग का यूज करके ये सारी चीजें बनाई गई है। ये वाल्मीकि का वर्णन। भगवान होते तो एक सफेद लाइट निकलती और सेतु पूरा हो जाता था, नहीं, सेतु बनवाया। मैच भी श्रीलंका की होम पिच पर है, वहां जाकर रावण को कंप्लीट व्हाइट वॉश, 6,500 साल पहले राम जी और पिछले साल विराट कोहली, बीच में कोई नहीं, पूरा व्हाइट वॉश।
लेकिन दिखता है कि कोई भगवंत सामान्य इंसानों ने इकट्ठा आकर क्या हुआ असामान्य कर्तृत्व है, और इसीलिए इन चरित्रों की तरफ देखते हुए हम वो देवत्व की भावना निकालकर सामान्यत्व की भावना देखकर इन लोगों ने जो प्रवास किया है देवत्व की ओर प्रवास किया है वो हमने करने की जरूरत है। इवन विवेकानंद जी ने अपने खुद के गुरु के बारे में जो लिखा है, रामकृष्ण परमहंस के बारे में लिखते हुए विवेकानंद खुद कहते हैं, और वो नए हैं तब नहीं, जब उनकी मुलाकात ठीक ठाक तरीके से हो चुकी है उसके बाद विवेकानंद उनके बारे में लिखते हैं कि ही इज नॉट अ गॉड, वो भगवान नहीं है, ही इज अ गॉड लाइक पर्सन, वो भगवान जैसा इंसान ही है। ये खुद विवेकानंद भी अपने गुरु के बारे में कहते हैं, आप सोचिए। उस चीज को अगर हम नहीं भूले तो मुझे लगता है कि हम अपनी जिंदगी में सही में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज जब सामान्य इंसान संकट में आता है तो पहले तो किसी भगवान के या किसी बाबा के पैर पकड़ लेते, बस तू संभाल, पैर तो छोड़ उसके, खुद भी नहीं करेगा उसको भी कुछ कर, पैर उसको तो कुछ कर ले, और बाबा ऊपर विश्वास रखकर क्या क्या हो सकता है हम देख चुके। और ये भी बता दूं, क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत खूंखार तरीके से आजकल ये चल रहा है कि हमारी संस्कृति बर्बाद, हमारे सारे बाबा ढोंगी, नो, भारतीय संस्कृति को गाली देने वालों को तभी आप दबोच ले, सारे बाबा ढोंगी नहीं हो सकते, कुछ लोगों ने अपना वो भगवान तत्व संभाल कर रखा है, ऐसे कई सारे लोग है, मेरे नाम स्टेज से लेना सही नहीं है, लेकिन ऐसे कई सारे लोग है जो आज भी वो उनका संतत्व टिकाऊ ठेव ले, लेकिन जो उसकी आड़ में बुआबाजी करते उनका क्या होता है हम देख चुके हैं, ऐसे जो जो होंगे वो तो पकड़े धरे जाएंगे, उनकी जो जगह है वहां उनको तपश्चर्या करने के लिए भेज दिया जाएगा आजीवन काली सलाखों के पीछे, वो तो जिंदगी कटनी है वहां पे। लेकिन सब ऐसे है ये नहीं। मैं जाते जाते एक चीज को स्पर्श करना चाहता हूं, ये व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे आजकल जो चल रहा है ट्रेंड बन चुका है, मंदिर में जाकर किसी भगवान की पूजा करने से अच्छा है बाहर बैठे किसी गरीब इंसान को खाना खिलाए, साहब ऊपर से दिखने के लिए बहुत रैशनल थॉट लगता है, यार वो भगवान पे क्या खर्च करे, वो तो पत्थर की मूर्ति है, उससे अच्छा किसी गरीब को खिला दे, कोई भगवान कोई मंदिर न जाए, ये जानबूझकर चला गया प्रचार है, इसको पहचाने, ऊपर से कितना भी लुभावना लगे हमारी संस्कृति ये कहती है मंदिर पर जो करना ही चाहिए लेकिन बाहर जो बैठा है भूखा उसको पहले खाना खिलाओ, हमारी संस्कृति कहती है दोनों आपको संभालना है साहब, ये जो आजकल जानबूझ के स्प्रेड किया जा रहा है कि हमारी संस्कृति बकवास, हमारे मंदिर बकवास, जो मंदिर कॉन्सेप्ट समझ नहीं पाए वो ऐसा लिख सकते हैं मंदिर अपने आप एक साइंस है, आज समय नहीं है, 1.5-2 घंटा लगेगा मंदिर का साइंस बताने के लिए, मंदिर ये वैज्ञानिक आविष्कार है जो भारत ने दुनिया को दिया है, जिसकी उदाहरण है कि मंदिरों को खिड़कियां नहीं होती, आप पुराने जितने मंदिर आप देखो मंदिरों को खिड़कियां नहीं, दरवाजे सबसे छोटे, उनकी तो इच्छा थी कि दरवाजे हो ही ना, लेकिन नहीं होंगे तो अंदर कैसे घुसेंगे, करके जितना छोटा पाए, पुराने मंदिर देखो रेंग के अंदर जाना पड़ता है औंडा नागनाथ, जितने छोटे हो पाए, क्यों, क्योंकि अंदर जो आवाज आप निकालने वाले हो उसकी प्रतिध्वनि जो आने वाली उसके इंपैक्ट्स, ये कार्यक्रम अगर खुले मैदान में होता तो ये सराउंड स्पेस वाला आपको आता फीलिंग नहीं आता, क्योंकि आवाज फैलती है, जब क्लोज एटमोस्फियर में कोई चीज होती है उसके आवाज के इंपैक्ट्स होते हैं, ओम ओम शब्दों को मीनिंग नहीं है सब, ओम शब्द को इंपैक्ट है, ओम के वाइब्रेशन से जिसका शरीर पर इंपैक्ट है, ओम को अर्थ नहीं है हम को इंपैक्ट है, और इसलिए ओम खुले आसमान में नहीं, ओम जितनी बंदिश चीज में आप उसका उच्चारण करोगे उसके उतने वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, अपने कुछ मंत्र है जिनको मीनिंग नहीं है उनके इंपैक्ट है, और इसलिए ये जबरदस्त आविष्कार था एक साइंस का हमारे मंदिर, लेकिन जानकार लोग ऐसे कहते हैं कि आपकी संस्कृति को 20-25 साल के लिए तोड़ दो, आपका जो भी नॉलेज है वो आपके 20-25 साल आगे वाली जनरेशन तक मत पहुंचने दो, आपकी संस्कृति कितनी भी पुरानी हो वो आगे वाली जनरेशन तक नहीं पहुंचेगी, उसके बाद बस 20-25 साल की गैप दे दो, जो आपको चाहिए वो उनको पढ़ाना शुरू कर दो, और हमारे भारत के दुर्भाग्यवश ये गैप 20 साल का नहीं साहब, अंग्रेजों ने ये गैप डाला लगभग 150 साल का, 150 ईयर्स का गैप पड़ा, उनको जो चाहिए वो एजुकेशन हमको देने की वजह से हमारा जो कल्चर है हम भूल चुके हैं, तुलसी का क्या महत्व है नहीं पता, टीका लगाने का क्या महत्व है हमको नहीं पता, आज उसके पीछे जबरदस्त साइंस है, लेकिन आज हमको दिखता है नहीं, पापा डांटेंगे करके मैं टीका लगाता हूं, मम्मी डांटती है करके मैं तुलसी के चक्कर लगाता हूं, इस साइंस हम खो चुके हैं, तो नम्र निवेदन है जो जो अपनी संस्कृति की ऐसी धज्जियां उड़ाने की कोशिश करेगा कृपया करके उसको हजम ना करें, उसकी वही धज्जियां आप उड़ा दे विद फैक्ट्स एंड फिगर्स।
ये जाते जाते केवल मैं टच करना चाहता हूं, लेकिन इन तमाम लोगों ने, मैं जो सामान्यत्व का वर्णन आपसे कर रहा था कि ये सामान्य क्यों थे, क्योंकि शिवाजी पर जब भी मिर्जा राजा जयसिंह का आक्रमण हुआ वो इतना बड़ा आक्रमण था कि शिवाजी राजा को भी झुकना पड़ा क्योंकि ताकत नहीं थी, और वो दर्शाता है उनका सामान्यत्व। अगर वो भगवान होते तो मिर्जा राजा को उखाड़ कर फेंक देते थे, नहीं, झुकना पड़ा, किले सरेंडर करने पड़े। मिर्जा राजा जयसिंह जब वापस गए, शिवाजी थोड़े फ्री हुए, आगरा से बाहर निकले हैं, और आगरा से वापस आने के बाद ये तमाम किले शिवाजी ने वापस हासिल किए किए, और इतना ही नहीं उससे 10 गुना ज्यादा किले और खींच कर लेके आ गए, 10 गुना, क्योंकि जो दिए थे वो केवल 23 फोर्ट्स थे, 23 किले केवल मुगलों को दिए थे, वो तमाम किले एक साल में शिवाजी ने वापस छीन लिए, और आने वाले 8 सालों में शिवाजी राजा के पास 260 किले है, 260 फोर्ट्स। तो वो जो सामान्यत्व की मैं बात कर रहा था, वो झुके हैं, रुके हैं, ताकत बढ़ाई है, और फिर से ये सारी चीजें इकट्ठा करी। विवेकानंद कहते कि जब मैं स्टेज पर गया, घशाला कोरड़ पड़ली होती। देखिए हमारा आपके साथ भी ये हुआ है, जब एग्जाम वाइवा स्टेज पे आता है, घशाला कोरड़ पड़ते, आपण सगळ्यांनी केलं। विवेकानंदांनी पत्रात उल्लेख केलाय की घशाला कोरड पडली, पण मी सरस्वती वंदन केलं, गुरुंची आठवण केली, आणि मग ते ऐतिहासिक 6 शब्द अमेरिकेतल्या माझ्या बंधू आणि भगिनींना, तो टाळ्यांचा कडकडाट आणि मग सगळं, आणि ते एकूणच भाषण आपल्याला फक्त तो टाळ्यांचा कडकडाटच माहिती आहे, त्याच्यानंतर भारतीय संस्कृती काय, त्याच्या मागचं विज्ञान काय, हे विवेकानंदांनी सांगून ठेवलं, तेवढं जरी वाचलं ते व्हॉट्सअपच्या देवांसाठी पुरेसं। व्हॉट्सअपचे देव म्हणजे आजकाल 2 देव आहे, गुगल, यानी जिसका जवाब भगवान नहीं दे सकता उसका जवाब गूगल देता है, और जिसका जवाब गूगल नहीं दे सकता उसका जवाब व्हाट्सअप दे देता है। मनात वाटेल ते संभाजी राजे 7.5 फूट उंच, 200 किलो वजन, 80 भाकऱ्या खायचे, 70 किलोची तलवार घेऊन जायचे, 272 लढाया एकही नाही हरले। शिवाजी महाराजांची उंची 5.5 फूट, आता जिजाऊ साहेब तर 8 फूट राहणार नाही, म्हणजे फारच वेगळा जोडा होईल तो काहीतरी। मग शिवाजी जर 5.6 आहेत, तर जिजाऊ साहेब आपलं सईबाई साहेब त्यांच्यापेक्षा लहानच असतील ना उंची। आता या दोघांचा मुलगा 7.5 फूट, बरं मानलं आपण, झाली वाढली त्यांची उंची 7.5 फूट, 70 किलोची तलवार एका हातात, ते का वेटलिफ्टिंग कॉम्पिटिशन आहे, 70 किलोची तलवार उचलायची, ती घोड्यावर बसून फिरवायची, त्यांनी लोकांना कापायचे आहे, आणि 7-7 तास लढाया चाललेल्या आहेत। तलवारीचं वजन 2 किलो 3 किलो खूप झालं, महेंद्रसिंग धोनी सचिन तेंडुलकर सारखी बॅट घ्यायची इच्छा असेल 4 किलो, उसके ऊपर तलवार नाही जाते सा, पण नाही व्हॉट्सअपवर गुरु हो आमचे राजे 7.5 फूट उंच दिसलो छान फॉरवर्ड टू ऑल, आम्ही विचार करत नाही। हे व्हॉट्सअपवर चर्चा करण्यात वेळ घालवण्यात काहीही अर्थ नाही, तुम्ही जितकं त्याच्यात काउंटर आहे तेवढंच अजून काही नाही, त्याचं तर पाल्ला आणि निघत नाही आणि कोणी ऐकत नाही। मग शेवटी काय लेफ्ट द ग्रुप, मग परत रिक्वेस्ट, अरे नको सोडून ये ना परत, मग परत वी वेलकम यू, मग टाळ्या कशासाठी नव्हते। तिथं ते केवळ भाषण नाही, त्याच्यामध्ये ती सगळी भारतीय संस्कृती क्या है याचं वैज्ञानिक विश्लेषण केलंय, आणि त्याच्यानंतर इंग्रजांनी छापलेलं म्हणजे अमेरिकेने छापलेलं एक वर्तमानपत्राचं टायटल केवळ मी आपको बताता हूं, उस टायटल में लिखा है इट्स फुलिश, हे मूर्खपणाचं लक्षण आहे की विवेकानंदांसारखा माणूस ज्या देशामध्ये आला तिथे आपण मिशनरी पाठवतो, हे मूर्खपणाचं लक्षण, आपण त्यांना काय ज्ञान पाळणार, यांची संस्कृती किती जबरदस्त आहे। जे अमेरिका आणि इंग्लंड आपल्याला नागांचा देश आणि बुवाबाजी साधूचा देश समजायचे, त्यांना पहिल्यांदा त्यांच्या कानाचे लोखंडाचे पडदे फाडून सांगणारा माणूस म्हणजे स्वामी आहे, की आमची संस्कृती काय, आमचा देश काय, त्याचं विज्ञान। आणि ते केवळ एकच भाषण झालं असं नाही, आपल्या अनेकदा गैरसमज असतात की विवेकानंद गए महापर और शिकागो में केवल वो एक भाषण नहीं हुआ, उस भाषण के पहले 11 भाषण हुए हैं, और उस भाषण के बाद उस कॉन्फ्रेंस में शिवाजी विवेकानंद के लगभग 12 भाषण है, और इतने फेमस हो चुके थे कि लोगों को वहां रुकवाने के लिए आयोजक वहां से बताते कि बस और 3 भाषण उसके बाद विवेकानंद आने वाले, ताकि लोग वहां जुड़े रहे, बस 3 भाषण और रुके फिर विवेकानंद का भाषण होने वाला, ताकि लोग वहां पर बैठे रहे। इतना इतकी मोहिनी विवेकानंदांची त्या सगळ्या लोकांवर त्यांच्या अभ्यासामुळे पडली होती आणि त्यांच्या उत्स्फूर्त भाषणांमुळे पडलेली होती। विवेकानंदांची भाषण लिहिलेली नसायची, उस समय जो भी भाषण हुए थे वो सारे लिखा पडी अवजड ग्रंथातले, विवेकानंदांचं लिहिलेलं उत्स्फूर्त भाषण असायचे, त्याच्यासाठी लागणारा अभ्यास तेवढा होता। और आखरी चीज जो इन दोनों के बारे में आपको बताना चाहता हूं, निष्कलंक चारित्र्य, कॅरेक्टर,
आज गलत फहमियां बहुत है हमारे समाज में दोस्तों। यानी शिवाजी, इनसे उदाहरण नहीं भी देते, शिवाजी तो एक समय छत्रपति थे ना, बादशाह थे। बादशाह को कौन रोकेगा साहब? बादशाह को कोई रोक नहीं सकता, वो सुप्रीम अथॉरिटी है। लेकिन बादशाह होने के बावजूद शिवाजी राजा के जीवन में एक भी घटना नहीं है कि उनके हाथ में शराब का ग्लास, एक भी घटना। उस समय सामान्य वतनदार, सूबेदार, सरदार महिलाओं के नाच गाने देखते थे। शिवाजी राजा के जीवन में एक भी घटना नहीं कि शिवाजी महिलाओं के नाच गाने देख रहे हैं। आज बताने की जरूरत नहीं, मैं जिस विषय की ओर आपको ले जा रहा हूं, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का मतलब हॉस्टल्स, हॉस्टल कल्चर। चार शराब पीने वाले कब पांचवें के हाथ में शराब का ग्लास थमा देते हैं, पांचवा कब उसको पी जाता है उसको भी पता नहीं चलता। कहां गए घर के संस्कार? बचपन में हम जब कहते थे कि छीते काका दारू पिता, वो बच्चा बड़ा होने के बाद कब उस शराब के ग्लास को हाथ में लेकर बैठता है उसको भी पता नहीं, तब वो भावनाएं कहां गई? आपको अगर सक्सेस पानी है दोस्तों, तो उसमें सबसे बड़ा रोड़ा यह है, उस शराब की बोतल को लात मारने की ताकत भी आपके कदमों में होनी चाहिए। अब कोई कहेगा कि सर यानी आपका मतलब, आपके कहने का मतलब ये तो नहीं कि जो शराब पीते उनको सक्सेस नहीं मिलती? मैंने ये तो नहीं कहा, रिकॉर्डिंग शुरू है, देख लेना। आप तो कहोगे बड़े बड़े कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ शाम को कहां बैठते हैं, हमको सारे अते पते पता है, वो तो सक्सेसफुल है। हाँ है, लेकिन शराब की वजह से वो जहां पहुंचने चाहिए थे उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे, ये भी आप तय कर। जिस लेवल तक वो पहुंच सकते थे, नंबर वन। दूसरा, एक एक्स वाई जेड मैनेजर है, जला बाई पाहिजे, बाटली पाहिजे, तो सर्व गुण संपन्न है, त्याला सगळं लागतं। इसके इसके तले जो जो उसकी टीम है उसको काम करना ही पड़ेगा। ये बाबू जो काम बताएगा इनको करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो नौकरी चली जाएगी। यस, ये बॉस जो काम देगा इनको करना ही पड़ेगा। फिर ये कैसा, यार भाई लगते बाटली लगते डजंट मैटर, इनको काम करना ही है। दूसरी तरफ एक ऐसा लीडर है ज्यादा बाई नको ज्यादा बाटली सुद्धा नको आयुष्य, त्याला फक्त माहिती आहे नेशन फर्स्ट, काम करणं आवश्यक देशासाठी, माझ्या माझ्या ऑफिससाठी, माझ्या ऑर्गनायझेशनसाठी काम करणं आवश्यक आहे। अशा माणसांनी ऑर्डर्स देण्याची सुद्धा आवश्यकता नसते, उसके साथ काम करने वाले खुद की जिंदगी तक नौछावर करने की ताकत रखते इस तरह के लीडर्स के लिए। ये भारतीय नेतृत्व है, ही व्हॅल्यू बेस्ड लीडरशिप आहे जी भारताने जगाला शिकवली, जी कृष्णाने शिकवली, जी शिवाजी राजांनी शिकवलेली आहे, जी विवेकानंदांनी शिकवली आहे, की सगळ्या प्रकारच्या व्यसनांपासून दूर राहून नेतृत्व। आणि म्हणून यांचं चरित्र इतकं स्वच्छ आहे सगळ्यांचं, की शिवाजी राजा के जीवन में तो घटना है, उनके पहले मी मगाशी म्हटलं महिलांवर झालेले अत्याचार। आप कोणत्याही गावात घुसायचं, कुठल्याही घरात घुसायचं, जी सुंदर मुलगी दिसली तिचं मनगट पकडून तिला फरफटत नेलं जायचं, किसी की हिम्मत नहीं थी इनको रोकने की, क्योंकि ताकत नहीं थी। और अगर उसके बाप या भाई ने कोशिश करके देखी तो अगले क्षण उसकी गर्दन काट दी जाती थी। अब वो महिला वो बच्ची किसके लिए रोए, मरे हुए भाई के लिए रोए कि खुद की लुटती हुई इज्जत के लिए रोए? उसको घसीट कर ले जाया था तो उस खुले दरिया में, उस खुले जहाज पर, उस जहाज पर जितने लोग हैं, 10 तो 10, 20 तो 20, 50 तो 50, सबने अत्याचार करके उनका मन भरने के बाद अगर वो महिला जिंदा बची तो उसको बोरे में डालकर ऊपर से रस्सी से बांधकर पत्थर से लटकाकर समुद्र में फेंक दिया जाता था। अशा घटना आम है, आम समूचे भारत में ऐसी घटनाएं हर साल लाखों के ऊपर हुआ करती थी। इन 650 सालों में करोड़ों घटनाएं हुई होंगी। शिवाजी राजांची स्वतःची काकू, तिचं अपहरण झालं, ती कधी सापडली नाही। जिजाऊ साहेबांची जाऊ, वो नदी पर गई थी नहाने के लिए, उसका अपहरण हो गया, वो कभी जिंदगी में वापस नहीं मिली। राजघराण्यातल्या स्त्रियांची हालत आहे, विचार करा सामान्य महिलांची काय असेल। ऐसे हडकंप में शिवाजी राजा के जीवनी की घटना है कि रांझा गावचा पाटील, पाटील याने जात नाही, पाटील याने पोस्ट, उस पोस्ट पर जो बाबाजी बिन भिकाजी गुजर बैठा था, उसने एक महिला से बदअमल करा। शिवाजी को पता चलता है वो गुनाह साबित होता है, उसके दोनों हाथ पैर शिवाजी राजा ने कुल्हाड़ी से तोड़ दिए। सजा ऐसी होनी चाहिए कि दहशत गुनहगारों के मन में अपना घर बना ले कि अगर मैं गलत करूंगा तो सजा मिलने वाली है। बॉस, उसके बाद समूचे शिवशाही में इस तरह की घटना रिपीट नहीं हुई। आप सोचिए, जो भारत में रोज होता था उसके बाद शिवशाही तशा प्रकार की घटना नहीं। चरित्र का असर मानसा, और यह सजा कब सुनाई गई है? जब शिवाजी राजा की उम्र है 14 साल 10 महीना, 15 साल का बच्चा यह सजा सुनाता है। सोचिए दोस्तों, किस बेस पर वो स्वराज्य खड़ा होगा। और विवेकानंद जी के
जीवनी में कोलकाता से लेकर शिकागो तक उदाहरण है कि परिस्थिति इतनी खराब थी, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि कोलकाता की महिलाएं उनको कहती थी कि आप हमारे घर में रहने के लिए आइए, आपकी सारी तकलीफें हम दूर कर देंगे। शिकागो में महिलाओं का तांता लगता था, कितने ही महिलाओं ने उनको इन्वाइट किया था अपने घर। इन तमाम आकर्षणों से दूर ये योद्धा एक सन्यासी बना रहा समूचे जिंदगी भर, और वो सन्यास वो योद्धा शिवाजी सन्यास्त बने रहे और ये सन्यासी हमेशा योद्धा बना रहा। इतनी जबरदस्त ताकत इन दोनों के चरित्रों में भी थी, निष्कलंक चरित्र। जीवन में आगे बढ़ना है तो हम भी उस कैरेक्टर की राह पर चले, उस प्यूरिटी की राह पर चले। अगर कुछ गलतियां हुई है जिंदगी में तो आज उसको पछतावा कर छोड़ दे और नई राह अपनी तराशते हुए फिर उन चीजों का काउंटर हमारे साथ न हो। मेरे एक दोस्त थे जो एक कंपनी के सीईओ है, दो कंपनी के मालिक है, शिवाजी राजा पर मेरे एक व्याख्यान में आए और ये शराब वाला एपिसोड मैंने सबके सामने आज की तरह रखा। वो 90 दिन बाद मुझसे मिले, बोले रोज शाम को 7 से 11 पार्टी रहती थी, ये कंपनी का सीईओ, वहां का सेल्स का बंदा, इसको पकड़ रोज लेके बैठता था, रोज 4-4 घंटे, 1000 रुपए वहां उड़ जाते थे, घर में कभी मैं समय नहीं देता था क्योंकि दिन भर ऑफिस और शाम को पार्टी। उस दिन 90 दिन पहले आपका व्याख्यान सुना, वो दिन और आज का दिन, 90 दिन बीत चुके सर, मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया है। इन चरित्रों में वो ताकत आज भी है दोस्तों। केवल अगर हमें अपनी जिंदगी में सही दिशा में आगे बढ़ना है तो इन तमाम गुणों का समुच्चय मुझ में होना चाहिए प्रयास। और इसलिए रिकैप करते हुए, विपरीत परिस्थिति में भी काम करने की ताकत, अपनी जिंदगी का एक स्पष्ट ध्येय कि मुझे मेरी जिंदगी में क्या करना है वो तय करके उसकी ओर बढ़ने के लिए पहले फिजिकल फिटनेस, दूसरा टेक्निकल एक्सपर्टीज, मेरा नॉलेज ये बढ़ाते हुए मुझे छलांग लगानी है इस दुर्दम्य आत्मविश्वास के साथ, एक सकारात्मक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड कि पालथे जन्माला ले हरकत नहीं, दिल्ली पालथी गलती, हर घटना की तरफ पॉजिटिवली देखने की आदत, नजरिया और एक निष्कलंक चरित्र, इन चीजों का ध्यास लेकर अगर हम आगे बढ़े तो मुझे नहीं लगता हमें अपनी जिंदगी में कोई रोक पाएगा सक्सेस, यश पाने से। और सक्सेस का मतलब कार की लंबाई, घर की ऊंचाई, पत्नी के गले में गहने का वजन, ये नहीं कह रहा। जो काम मुझे दिया गया है वो सत्यम शिवम सुंदरम टू द बेस्ट करना यानी सक्सेस, उससे मिलने वाला समाधान यानी सक्सेस, पैसा तो अपने पीछे भागने वाला है अगर अच्छा काम करेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा रणछोड़दास श्यामलदास छनछड़ कह चुके, तो बड़ा काबिल बन, कामयाबी तो जन्मार के पीछे आने वाली है। लेकिन ये तमाम चीजें करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ते हुए एक चीज हमेशा याद रखना, एक बड़ी सी दीवार थी दोस्तों, वो इतनी बड़ी, इतनी लंबी, इतनी मोटी, इतनी मजबूत थी कि ये दीवार अब कभी नहीं गिरेगी, ये सबने मान लिया था। और तब कुछ लोग रुके नहीं, कुछ लोगों ने, एक एक बंदा निकला जिसके हाथ में टांचनी थी, उसने टांचनी लेकर उस दीवार में गड्ढा करने की कोशिश करी। पीछे से दूसरा था, बोले ओ कौन है आप और क्या कर रहे हैं? बोले मुझे नहीं पहचाना, मैं मंगल पांडे। वो मंगल पांडे 1857 पहली गोली। बोले मंगल पांडे आप क्या कर रहे हो? बोले मैं दीवार ढा रहा हूं। बोले टांचनी से ढाओगे? उसके पास टांचनी है ना, पिन पिन टांचनी, टांचनी से ढाओगे? बोले हाँ मेरे पास टांचनी, मैं इसी से ढाऊंगा। अरे मेरे पास खंजर है साहब, मेरा खंजर क्यों नहीं लेते? तो बोले मुझे खंजर देने वाला तू कौन है? बोले मैं छत्रपति शाहू। शाहू महाराज आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। बोले शाहू महाराज ने खंजर मारना शुरू करा। एक महिला आई घोड़े पर, उसका बेटा पीछे बंधा हुआ था, तलवार थी उसके हाथ में। बोले तू कौन? बोले मैं लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, मेरी तलवार लो। बोले मोहतरमा आप शुरू रखो, हम अपना करते। मोहतरमा ने तलवार चलाना शुरू करा। एक बंदा आया 16 किलो का भाला, चेतक नाम का घोड़ा। बोले तू महाराणा प्रताप? उसने भाला मारना शुरू करा। बाबा साहब अंबेडकर आए, अपने लोग छोड़े। गुरु गोविंद सिंह आए, अपने खालसा उस दीवार पर छोड़े। विनायक राव दामोदर, दादाराव सावरकर आए, बंदूकें लेके आए थे बिलायत से, धाए 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 गोलियां मारना शुरू करे। 21 साल का एक नौजवान छोकरा पीली पगड़ी पहनकर हाथ में दो बैग लेके आया। बोले तू कौन? मैं सरदार भगत सिंह। बैग में क्या है? बोले बम लाए गरम गरम ताजे ताजे। बोले बांध, नीचे बम लगा, धाड़ 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 बम फटने लग गए। 15 अगस्त 1947 मोहनदास करमचंद गांधी नाम का एक बंदा आता है, अपनी लाठी नीचे रखता है, एक धक्का उस दीवार को लगाता है, समूची दीवार चरमराकर नीचे रहती है, सारी दीवार टूटती है। सारी दीवार ढह जाती है। अकेले गांधी जी ने नहीं ढाई, सबने ताकत लगाई। सशस्त्र क्रांति हुई, असहकार आंदोलन हुए, उपोषण सत्याग्रह सब हुआ, खून बहा। बिना खड़ग बिना ढाल कभी आजादी नहीं मिलती, खून बहा।
और दोनों दोनों रास्तों से आजादी मिली, अहिंसात्मक आंदोलन सशस्त्र, तब जाकर वो दीवार गिरी, उसके पीछे हमारी स्वतंत्र देवता थी। 1947 तक ये डेफिनेशन थी हमारे देश की राष्ट्रभक्ति की कि हमें अपने हथियार उठाकर उस दीवार पर टूट पड़ना है। आज आज कोई डेफिनेशन बची नहीं साहब, देशभक्ति की डेफिनेशन है किसी के पास? नहीं है। और इसीलिए आज देशभक्ति की केवल एक डेफिनेशन है मित्रों, कि हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए उस एक्सेलेंस का, सर्वोत्तमता का पीछा करते हुए मुझे जो जो काम दिया जाएगा मैं बहुत अच्छे तरीके से सत्यम शिवम सुंदरम टू द बेस्ट मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ मुझे अपनी टांचनी उठानी पड़ेगी। आप सबको अपनी एक एक टांचनी उठानी पड़ेगी। रामदास पेट में एक लड़की रहती है 12 साल उम्र, उसको पता चला किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कोई नाना पाटेकर है जो उनके लिए पैसा जमा कर रहा है, वो दौड़कर घर में गई, उसका पिगी बैंक निकाला, उसको फोड़ा, उसके अंदर से 450 रुपए निकले, अपने पापा को देते, बोले पापा ये 450 रुपए दे दो, किसी किसान के काम में आएंगे, शायद नाना पाटेकर को पहुंचा देंगे। उस बच्ची को कौन बताया कि बेटा 450 साल से किसी किसान का घर नहीं संवर सकता बेटी, लेकिन ये तमाचा है। उस बच्ची ने हमारे गाल पर तमाचा मारा है साहब कि मैं तो बच्ची हूं, आप तो कमाते हो, आपका पैकेज 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख है, मैं बच्ची हूं, मैंने 450 दिया, आप 4,500 नहीं दे सकते साहब। इसने तमाचा मारा हमारे गाल, वो 450 रुपए उस 12 साल के बच्ची की टांचनी है। मेरा दोस्त है नंदनवन के पास रहता है, उसकी कॉलोनी में जिसका भी बर्थडे हो उसके घर जाता, बोलता है अंकल हैप्पी बर्थडे, अंकल बोलते थैंक यू, बोले 50 रुपए निकालो, अंकल बोलता है अभी मेरा ही तो बर्थडे है, हाँ तो फिर भी निकालो, उन्हीं से 50 रुपए लेता है, एक पौधा लेके आता है अंकल के हाथ से, उन्हीं के घर में लगवाता है, अंकल टेक केयर, अगले बार जब आऊंगा तो पौधा बड़ा दिखना चाहिए, अगले साल दूसरा। वो पौधा लगा रहा है, वो वहां रिटायर्ड लोगों की तरह वहां बाहर शंकर नगर पार्क में बैठ के वो जो मैंने बताया दया वसंतराव वो गप्पे नहीं लड़ा रहा है साहब, ये काम कर रहा है। और ये जो सीनियर लोग आप पीछे यहां कहीं बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये रिटायर्ड हो चुके, अपनी जिंदगी के 30-30, 35-35 साल काम करने के बाद अब जाकर आराम करेंगे, इस विचार से रिटायर्ड हुए लोग रिटायर्ड नहीं हुए, ऑफिशियली रिटायर्ड है, दे आर नॉट टायर्ड। वो आज भी आकर यहां मठ में आकर कोई लाइब्रेरी संभाल रहा है, कोई और कोई डिपार्टमेंट संभाल रहा है, ये उन लोगों की भी टांचनी है। और ऑब्वियसली मठ और मठ के सारे लोग कृष्ण मिशन और उनके सारे वॉलंटियर्स उनके सारे स्वामी जी कर रहे हैं, ये भी टाचनी, हालांकि इनकी टाचनी भले जितनी बड़ी हो चुकी है, हमें भी अपनी जिंदगी की एक टाचनी अगर हम नहीं ढूंढ पाए तो ये सारा एक्सेलेंस, ये सारे पैकेजेस, ये धरे के धरे रह जाएंगे। उसको केवल एक स्टैंप लगेगा, इंडिविजुअल ग्रोथ, उसके ऊपर नहीं जाओगे आप कितने भी बड़े हो जाओ। इसलिए यहां से जाते वक्त मुझे वो तालियां एक्सपेक्टेड नहीं है दोस्तों, ताली ना बजाए तो भी चलेगा, लेकिन यहां से जाते वक्त मैं अपने टाचनी यहां से ले जाऊं ये जरूर प्रयास हम सब करें। इतना ही कहकर मैं आप सबकी विदा लेना चाहता हूं, धन्यवाद।